हमें ये मौका भी दिया, और आज सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि सुबह सुबह का ये टाइम है, और सुबह सुबह में जो चीजें अपने दिमाग में जाती है वो शायद दिन के और किसी भी समय में नहीं जाती है। और मैं थैंकफुल हूँ गुरुदेव आत्माराम जी का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उनके साथ कोलोबरेट कर सकूं, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। और मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं सर। सर मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ, बिल्कुल सही आ रही है। बहुत ओके, थैंक यू बढ़िया। मच। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसा वेबिनार करने जा रहे हैं जिसमें एक सभी तबके के लोगों को, चाहे वो फर्स्ट क्लास के हैं, सेकंड क्लास के हैं, थर्ड क्लास के, लोअर क्लास के, मिडिल क्लास के, अपर क्लास के, अपर मिडिल के, सभी लोगों के जीवन को एक अवसर प्रदान करना चाहते हैं कि सब अपने जीवन को सुंदर बना सके। यही तथ्य है आरसीएम बिजनेस का, और आज अपन बातचीत करेंगे इस बिजनेस की। और मैं हिंदुस्तान के मोस्ट अवार्डेड ब्रांड की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं राधेश्याम सुथार, और मेरी बात शुरू करने से पहले मेरा एक प्रोफाइल वीडियो है जिससे हम आपस में रिलेट कर पाएंगे। आप इसको राधेश्याम सुथार का जन्म राजस्थान के बीकानेर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। पिता विदेश में अपने पुश्तैनी फर्नीचर के कारोबार करते हैं। माता किरण देवी एक गृहिणी हैं। कुल 5 संतानों में राधेश्याम सबसे बड़े हैं। राधेश्याम की पूरी एजुकेशन राजस्थान के बीकानेर में संपन्न हुई। उन्होंने बीकॉम तक शिक्षा ग्रहण की। बीकॉम करने के बाद परिवार द्वारा अपने पुश्तैनी कारोबार करने का दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा था। राधेश्याम को फर्नीचर के पुश्तैनी कारोबार में कोई रुचि नहीं थी। वो अपने लिए एक ऐसा कारोबार तलाश कर रहे थे जिससे पैसा, समय और लोगों का प्यार मिले। तभी 2006 में पढ़ाई के दौरान एक दोस्त के द्वारा आरसीएम मिला। कुछ दिन काम किया लेकिन रेगुलर नहीं रख पाए। सन 2009 में बीकॉम करने के बाद राधेश्याम ने कैरियर के रूप में आरसीएम को फुल टाइम शुरू किया और सन 2009 में ही रॉयल्टी अचीवर बने तथा सन 2014 में टेक्निकल की पिन हासिल की। आज राधेश्याम अपने माता पिता और पत्नी के सारे सपने पूरे कर पा रहे हैं। बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। आज वो अपने परिवार के साथ एक आदर्श जीवन जी रहे हैं। इसी वर्ष उन्हें आरसीएम की ब्रांड न्यू स्टार एमराल्ड पिन से सम्मानित किया जा रहा है। जब इन्होंने आरसीएम शुरू किया था तो इनको लोगों के इतने किक मिले, इतने किक मिले, इतने किक मिले कि उन किक से ही आज ये इस लेवल पे पहुंचे हैं। पहले वाले दिन तो ये बैग वाले निकल गए, ये आरसीएम वाले निकल गए, ये चपले गाठन वाले निकल गए, सब बोलते अजूबाज वाले। जब इन्होंने शुरू किया तो सब लोगों से इसने हेल्प मांगी कि हाँ आप मेरे साथ आइए, घर वालों से, परिवार वालों से, लेकिन उस समय किसी ने इनका साथ नहीं दिया। मैं बोला ये क्या है लून मिर्च वाला काम है भाई, अपना फर्नीचर काम बहुत है करो। फिर नहीं माना, बहुत मना किया, घर में मीटिंग चलो की, हमने स्पीकर वगैरह सब भगा दिया, फेंक दिया, मतलब क्या काम चलो किया है ये। जब मैं घर से फील्ड करने के लिए निकलता था तो कई बार फैमिली वाले, घर वाले मेरे को बस से उतार के वापस ले आते थे स्कूल कॉलेज, मेरे को वापस बाहर से शिफ्ट करके वापस गांव में ले आए, बोले बाहर के स्कूलों में नहीं जाना, आरसीएम से नहीं करना, पूरे मतलब तंत्र मंत्र सारे लगा दिए। सर वहाँ मुंबई में नए नए बिजनेस शुरू किया सर ने, तो वहाँ क्या हुआ कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम अपना खर्चा बराबर से चला सके, तो बहुत दिक्कतें आती थी। फर्स्ट इनकम भाई 769, 769 रुपए की, 769 रुपए के जब आरसी बिजनेस से मेरी पहली इनकम आई तो मैंने सबको बताया और सारे फैमिली वाले नाराज थे, मैं अकेला खुश था। मैं बीकानेर मीटिंग गया, फिर उनको सम्मानित किया तो सोचा यार काम तो बढ़िया है, पैसा और चेक मेरे को दिखाया तो ठीक है, मैं सम्मानित किया तो बाद में मेरे समझ में आया तो फिर मैं भीलवाड़ा जाके देखा ही, फिर बाद में मैं भी चल हुआ बढ़िया काम है। मेरा भाई अभी बहुत बहुत आगे बढ़ गया अपने जीवन में, ये बहुत सारी जगह बाहर स्विट्जरलैंड, दुबई, हांगकांग, बहुत सारी जगह घूम के आए, ये इतना बड़ा लेवल अमिताभ बच्चन से सम्मानित हो रहे हैं, तो
हमें बहुत मतलब जलन पैदा हो रही थी एक टाइम तो, यार हम भी कर सकते थे ऐसा काम। कर राधे श्याम जी है तो लगातार लगन से लगे रहे और आज इस मुकाम पर हैं तो अच्छा लगता है। जैसे हमारे दोस्त है, हमारे पड़ोसी है, तो प्राउड फील होता है हमको भी। बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की और ये आज उस मुकाम पर पहुंचे जिसे हमने कभी सोचा नहीं था। बहुत अच्छा लग रहा है। जब से उन्होंने आरसीएम शुरू किया है इसलिए हम बहुत खुश है। उनकी सैलरी देकर, उनका जो बिजनेस है उसकी तरक्की वो देखकर आज वो कहीं भी विदेश टूर या टूर में पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं आरसीएम की बदौलत। तो आज मेरा भाई इस मुकाम पे है कि उसने हमारी पूरी फैमिली के सपने पूरे करने की हिम्मत है। आसिम ने धीरे धीरे इसे इतना ऊंचा कर दिया है कि आज लोग जो लोग बोलते थे कि ये बेकार है, आज वो खुद इसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी आरसीएम करना है। आरसीएम ज्वाइन करने के बाद में गांव का नहीं, मोहल्ले का नहीं, पूरे एरिया का हीरो बन गया है। मेरे बेटो लाखों में एक अच्छा बेटे है। गाड़ी मेरे पास है, घर मेरे पास है, प्लेट मेरे पास है, दो तीन फ्लोट मेरे पास है। अब हमारी जिंदगी कुछ इस तरह बदल चुकी है कि सारे सपने पूरे हो गए, सारे ड्रीम्स पूरे हो गए। मैं बड़ा होकर अपने पापा की तरह बनूंगा। आई लव यू पापा। तो आइए इस ब्रांड न्यू स्टार एमराल्ड को अपनी जोरदार तालियों के साथ स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और आज हम बात करेंगे विजन 2020 की। देखिए अभी जो कोरोना काल जो चल रहा है उसमें पूरी दुनिया परेशान है और हम विजन की बात करते हैं तो कहीं हम आपको पागल लग सकते हैं, पर दोस्त देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आपको के प्रूफ के साथ ये कहना चाह रहा हूँ और होश हवास में कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में आत्माराम जी में से एक बात बोलते हैं कि बड़े परिवर्तन जो आते हैं वो हमेशा विपरीत परिस्थितियों में आते हैं। बड़े परिवर्तन हमेशा विपरीत परिस्थितियों में आते हैं। दुनिया में एक ही चीज परमानेंट है, अभी भी सर बात कर रहे थे, वो है परिवर्तन, बदलाव। जो वक्त के साथ बदल जाता है वो दुनिया में आगे बढ़ जाता है। अभी जो वक्त आया है वो वक्त आया है खुद का मालिक बनने का। हम कब तक लोगों के इशारों पर अपनी जिंदगी को चलाते रहेंगे? खुद का मालिक बनने का समय आया है। अगर आप विजनरी पर्सन है, अगर आप दूरदृष्टि, अगर आप दूर की चीजें आज देख पा रहे हैं, अगर सोच पा रहे हैं कि आने वाले 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपका जीवन आरसी बिजनेस के थ्रू कैसे हो सकता है, तो हम इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी पर जा सकते हैं। देखिए दोस्त, जिंदगी में जिस प्रकार से एक गमले के अंदर बरगद का पेड़ नहीं उगाया जा सकता, उसी प्रकार से छोटी सोच के साथ आरसीएम को नहीं किया जा सकता। आरसीएम बिजनेस में बड़ी सक्सेस को अगर पाना है तो हमें सोच को बहुत आगे लेके जाना होगा। और दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं वो विजनरी पर्सन थे। वो हर काम को करने से पहले यही सोचते हैं कि आज जो मैं काम कर रहा हूं वो काम मुझे 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मुझे क्या आउटपुट देने वाला है। अगर आपको भरोसा है, ये वॉल्ट डिज्नी है साहब जिन्होंने डिज्नीलैंड का निर्माण किया, ये क्या बोलते हैं कि पहले आप सोचिए, उसका सपना लीजिए, उस पर बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए और फाइनली हिम्मत कीजिए, आप कर सकते हैं। दुनिया में सब कुछ हो सकता है, जो सोच सकता है वो कर सकता है। यही बात वॉल्ट डिज्नी साहब भी कहते हैं, अगर आप सोच सकते हो वो काम आप कर सकते हो। इस समय देखिए दोस्त, ये एक आपके सामने एक फोटो नजर आ रही है, ये रामायण की फोटो है। अभी आपने टीवी पर रामायण और महाभारत देखी। रामायण और महाभारत दो ऐसे काव्य हैं, दो ऐसे ग्रंथ हैं जिसके अंदर हजारों लेसन्स हैं जहां से आप सीख सकते हैं। उसी में से एक लेसन है ये राम सेतु का। आप थोड़ा विचार कीजिए कि ये जो पत्थरों का जो ब्रिज बनाया गया था कि पत्थर, उसमें पत्थर तैर रहे थे, आपको क्या लगता है कि इसमें पत्थर तैर रहे थे? नहीं दोस्त, मुझे नहीं लगता कि इसमें पत्थर तैर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रिज के अंदर इन वानरों का, इस सेना का ये भरोसा तैर रहा था, ये विश्वास तैर रहा था कि हम भगवान श्री राम के नाम से पत्थर डालेंगे तो वो तैरेंगे। ये श्रद्धा का प्रतीक है ये ब्रिज। उसी प्रकार से अगर आप भरोसा कर सकते हैं, आप विश्वास कर सकते हैं, आप श्रद्धा कर सकते हैं आरसीएम के प्रति, तो दोस्त आप आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता पे जाएंगे, जीवन में बहुत बड़ी सफलता पे जाएंगे। दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं वो सबके सब सफलता के लिए दौड़ते हैं, लेकिन असली सफलता है क्या, आज हम उस पर बातचीत करेंगे। क्या है असली सफलता, इस पर कुछ सर्वे भी हुए हैं। सर्वे क्या बोलते हैं सफलता के बारे में? कुछ लोग जिंदगी में जॉब को सफलता मानते हैं, यानी किसी की नौकरी लग जाए तो उसको लगता है कि यही सबसे बड़ी सफलता है, जॉब को सफलता मानते हैं। कुछ लोग जीवन में हेल्थ को सफलता मानते हैं। जैसे आपने कई बार, ये ज्यादा गाँव में होता है, गाँव में कई लोगों को सुना होगा, वो कहते हैं सर अपने को तो पैसे वैसे से किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है, हम तो अच्छा खा रहे हैं, मस्ती से जीवन जी रहे हैं। नहीं, कुछ लोग हेल्थ को सफलता मानते हैं, कुछ लोग नेम एंड फेम को सफलता मानते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा
जिनके पास खुद का सब कुछ लुट जाता है कुछ ना होने के बावजूद भी, फिर भी वो लोगों की पंचायती करते घूमते हैं। सिर्फ उनका एक ही मोटिव होता है कि मेरा नाम हो जाए, लोग मेरे को जाने, यानी नए मैन फेम को सफलता मानते हैं। कुछ रिकॉग्नाइजेशन को सफलता मानते हैं। कुछ लोग चंदा ही सिर्फ इसलिए देते हैं कि हमें कुछ लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, मेरा नाम लेंगे, मेरे लिए तालियां बजाएंगे, कुछ रिकॉग्नाइजेशन को सफलता मानते हैं। लेकिन दुनिया के 80% लोग, हेलो मैं दुनिया के 80% लोगों की बात कर रहा हूँ, 80% लोग दुनिया में पैसों को सफलता मानते हैं। और कहावतें भी इस प्रकार से बनाई गई है कि पैसा खुदा तो नहीं है पर कसम खुदा की खुदा से कम भी नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसों को सफलता मानते हैं। लेकिन पैसे का सिद्धांत यह है कि दुनिया में 95% लोगों के पास 5% पैसा है और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। ऐसा क्यों है? इस बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब बोलते हैं कि दुनिया में दो तरह की इनकम आती है, दो तरह से पैसा आता है, पहला एक्टिव इनकम, दूसरा पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब है कि जहां पर हम काम करते हैं, काम करने के बदले अपने को पैसा मिलता है, काम करना बंद, इनकम आना बंद, उसको एक्टिव इनकम बोला जाता है। दूसरी तरह की होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब होता है काम करेंगे एक बार, इनकम आएगी बार बार, यानी वो 2, 4, 5 साल, 8, 10 साल काम करते हैं, फिर काम करना बंद भी कर दें तो उनको इनकम आती रहती है। ऐसे दुनिया में 5% लोग हैं और एक्टिव इनकम वाले दुनिया में 95% लोग हैं। अगर इसको देसी भाषा में बातचीत करें तो पैसा कमाने के लिए हिंदुस्तान में या दुनिया में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंसान पैसा कमाने के लिए खेती करता था, लोग ज्यादातर खेती पर निर्भर थे। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बदला, परिवर्तन हुआ और आज के समय में ज्यादातर जो लोग हैं वो पैसा कमाने के लिए खेती पर निर्भर नहीं है, पैसा कमाने के लिए वो नौकरी पर निर्भर है। फिर वक्त बदला और साथ साथ में हम पैसा कमाने के लिए कुछ लोग खुद का काम करते हैं। जैसे ये फोटो आपको दिख रही होगी, इसमें कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ ये आपको नर्सेस नजर आएंगी, कुछ लॉयर नजर आएंगे, कुछ आर्किटेक्चर नजर आएंगे, कुछ कारपेंटर नजर आएंगे, कुछ शेफ नजर आएंगे, कुछ प्रोफेशनल नजर आएंगे। ये जितने भी लोग हैं ये अपना खुद का काम करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। अब ये तीनों ही कामों पर आप विचार कीजिए, खेती करना, नौकरी करना या फिर खुद का कोई छोटा मोटा व्यवसाय करना, नहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आपको क्या लगता है इन कामों से हम अथाह दौलत कमा सकते हैं क्या? ये काम करके हम दुनिया के 5% लोगों की श्रेणी में जा सकते हैं? विचार कीजिए अपने आप पर, क्या हम, क्योंकि हिंदुस्तान में 95% लोग ये तीन ही काम करते हैं, या तो खेती करेंगे या फिर वो नौकरी करेंगे या फिर छोटा मोटा खुद का काम करेंगे। इन तीनों ही कामों से हम 95% लोगों की श्रेणी में रह सकते हैं पर इससे मुछल के 5% लोगों की श्रेणी में नहीं जा सकते। अगर अपने को 5% लोगों की श्रेणी में जाना है तो क्या काम करना पड़ेगा, आज हम उस पर बातचीत करने के लिए आए हैं। दोस्त, दुनिया में 5% लोगों की श्रेणी में जाना एकदम आसान है, मुश्किल नहीं है, आसान है। आसान कैसे है? दुनिया में बड़ी सफलता पाने का एक राज स्वामी विवेकानंद जी ने बताया। स्वामी जी बोलते हैं कि दुनिया के जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो उस क्षेत्र के कामयाब लोगों के कदमों पर चलना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि खुद ठोकरे खा खा के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप दुनिया में अथाह दौलत कमाना चाहते हो तो ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढिए जिसने अथाह दौलत कमाई है। आप अपना दिमाग बंद कर दीजिए, उसके रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए। जहां तक वो पहुंचा है वहां पर आप भी पहुंच सकते हैं अगर आप उसके नियमों को, उसके कदमों को आप फॉलो करेंगे। ऐसा कहा जाता है, एक कहावत है कि रेगिस्तान के अंदर, जब रेगिस्तान हो चाहे अफ्रीका का हो चाहे वो राजस्थान का हो, रेगिस्तान में जब कोई आदमी खो जाता है और उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो किसी जानवर या किसी इंसान के पद चिन्ह ढूंढता है जिसको फॉलो करके वो एक उस रेगिस्तान से बाहर निकल सकता है। ठीक उसी प्रकार से हमें अगर 95% लोगों की श्रेणी से बाहर निकल के 5% लोगों की श्रेणी में जाना है तो 5% लोगों की श्रेणी के लोगों के पद चिन्हों को ढूंढिए और उस पर चलना शुरू कर दीजिए। क्या है उनके पद चिन्ह, ये समझाया, दुनिया के पहले अरबपति व्यक्ति मिस्टर जे पॉल गेटी, ये है दुनिया के पहले अरबपति व्यक्ति। इन्होंने जो किया वो काम अगर हम भी करेंगे तो जहां तक ये पहुंच रहे हैं वहां पर हम भी पहुंच सकते हैं। जे पॉल गेटी साहब क्या बोलते हैं, अगर आप दुनिया में अथाह दौलत कमाना चाहते हैं, बहुत बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो पहला काम आपको ये करना पड़ेगा, आपको अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए। जय पुलगेटी साहब लिखते हैं कि नौकरी करनी पड़ती है क्योंकि आजीविका चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन नौकरी से हम अमीर नहीं बन सकते क्योंकि नौकरी अपने आप में कहती है कि मैं भूखा मरने नहीं दूंगी, अमीर बनने नहीं दूंगी, अपना काम हमेशा चलता रहेगा।
सिर्फ काम ही चलाना है तो कब दुनिया से आए और कब दुनिया से चले गए दुनिया में कोई नहीं जानेगा, लेकिन अमीर बनना है, अपना नाम करना है तो आपको बिजनेस करना चाहिए। आगे जयपुर गेटी साहब बोलते हैं, उन्होंने सिद्धांत ये बताया कि बिजनेस तो करना, पर बिजनेस हमेशा उन कामों का करना जो रोजमर्रा में काम आने वाले सामान हो। हेलो, रोजमर्रा में काम आने वाले सामानों का बिजनेस कभी भी बंद नहीं होता है, चाहे लॉकडाउन आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे बादल फट जाए। अभी आप सोचिए कि कोरोना में लॉकडाउन चल रहा था, उसमें टाटा मोटर्स ने मान लो कार या ट्रक बेचा या ना बेचा, पर नमक उन्होंने जरूर बेचा। यानी कि रोजमर्रा में काम आने वाले सामानों का बिजनेस कभी बंद नहीं होता है। इसलिए जयपुर गेटी साहब बोलते हैं कि अगर आपको बहुत बड़ी सफलता चाहिए तो रोजमर्रा में काम आने वाले सामानों का बिजनेस अपने को करना चाहिए। तीसरा वो बोलते हैं कि आपके बिजनेस से जो आपकी इनकम होती है वो बहुआयामी होनी चाहिए, एक जगह से कभी नहीं होनी चाहिए। यानी मान लीजिए आपने जयपुर गेटी साहब के सिद्धांतों को फॉलो किया और आपने 50 लाख रुपए लगा के केरला में एक बिजनेस स्टार्ट किया और वहां से आपकी इनकम आ रही है 1 लाख रुपए, लेकिन जिस दिन वो खत्म होगी, मान लो केरला में बाढ़ आ गया, तो आपकी पूरी की पूरी इनकम जीरो हो जाएगी। जयपुर गेटी साहब क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर उसी जगह पर वो 1 लाख रुपए की इनकम 100 जगह से 1-1 हजार रुपए आती है, जैसे 1 हजार रुपए पटना से आती है, 1 हजार रुपए मुंबई से आती है, 1 हजार चेन्नई, 1 हजार बेंगलोर, 1 हजार कहीं और से आती, तो 20 जगह पर हिंदुस्तान में बादल फट जाता तब भी आपकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आपका इनकम सोर्स जो है वो अलग अलग जगहों से आना चाहिए, आपकी इनकम बहुआयामी होनी चाहिए। और लास्ट सिद्धांत जयपुर गेटी साहब ये बोलते हैं कि बिजनेस करना, पर ऐसा करना जो लोगों को बता सको। देखो, तस्करी करने वाला को भी ये उनका एक बिजनेस है, लेकिन तस्करी करोगे तो आप घर वालों को ही नहीं बताओगे क्या कर रहे हो। यस यू नो, जैसे ड्रग्स बेचना भी उनका एक बिजनेस है, लेकिन ड्रग्स आप बेचोगे तो घर वालों को ही नहीं बताओगे क्या करोगे। ऐसा बिजनेस करना जो लोगों को बताने से चले, लोगों को बताने योग्य हो। इन चारों सिद्धांतों को आप फॉलो करते हैं तो आप जिंदगी में अथाह दौलत कमा सकते हैं। ये प्रूफ करके दिखाया जयपुर गेटी ने, और इनके प्रूवन फॉर्मूले को दुनिया के इन लोगों ने यूज किया। ये आप दुनिया के टॉप, दुनिया के रिचेस्ट पीपल, ये इंडिया के रिचेस्ट पीपल, इनमें से किसी को भी आप थोड़ा गौर से देखिए, इनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो नौकरी करता है, इसमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो खेती करता है, इसमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये सब के सब जयपुर गेटी के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, ये अपना दिमाग लगाते ही नहीं है। आत्माराम जी कई बार धीरू भाई अंबानी की स्टोरी बताते हैं, और धीरू भाई अंबानी साहब हमेशा यही बोलते हैं कि मेरी कामयाबी का यही राज है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कामयाब लोगों से सीखता हूँ और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करता हूँ और मैं कामयाब हो गया। ये दुनिया में जितने भी लोग हैं, एग्जाम्पल, एक व्यक्ति का एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो मुकेश अंबानी साहब। मुकेश अंबानी दुनिया में सबसे पहले जयपुर गेटी के सिद्धांतों के अगर फॉलो की बात करें तो ये पहले अपना खुद का बिजनेस करते हैं। नंबर दो, ये उन्हीं चीजों का व्यापार करते हैं जो चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है। जैसे अंबानी परिवार का जो मुख्य काम है, पेट्रोलियम हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जियो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, रिलायंस प्रेस के थ्रू एफएमसीजी बेचते हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये कहने का मतलब ये रोजमर्रा में काम आने वाला सामानों का बिजनेस करते हैं। नंबर तीन, इनका बिजनेस किसी एक व्यक्ति पर निर्भर है ही नहीं। रिलायंस प्रेस की बात करो तो इंडिया में 10,000 से ज्यादा आउटलेट है। अगर एक आउटलेट के यहाँ पर 10 किलो रोज टमाटर बिके तो इनके यहाँ से रोज 1 लाख किलो टमाटर बिकता है। अब मान लो जम्मू कश्मीर का अगर रिलायंस प्रेस बंद हो गया तो इनकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, केरला का बंद हो गया तब भी इनके इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने जियो शुरू किया, आज जियो के पास इनके 35 करोड़ ग्राहक है। अगर हम जैसे 2-4-5 करोड़ ग्राहक रिचार्ज कराना बंद भी कर देना तब भी इनकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क इनके पास है। और चौथा, ये पूरे समय अपने बिजनेस की मार्केटिंग करवाते हैं, टीवी, अखबार, मीडिया, यानी कि लोगों को बताते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये लोग कभी भी जिंदगी में अपना दिमाग लगाते ही नहीं है। इन सभी ने, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे वॉरेन बफेट हो, कोई भी हो, ये सब के सब दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जयपुर गेटी के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, ये अपना बिजनेस करते हैं रोजमर्रा में काम आने वाले सामानों का। ये टॉपिक आपके पास इस मीटिंग में बार बार आएगा, इसलिए इसको थोड़ा याद रखें। ये अपना बिजनेस करते हैं, ये रोजमर्रा में काम आने वाले सामानों का बिजनेस करते हैं, इनकी इनकम बहुआयामी है, और लास्ट ये बताने योग्य काम करते हैं। अगर ऐसा काम इन्होंने जब किया तो इनको क्या मिला? इनको एक ड्रीम लाइफ मिली। किस तरह की ड्रीम लाइफ? इनको पैसों की आजादी मिली। देखिए, कोरोना के समय में बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि 3 तरह के लोग निकल के सामने आए। पहली तरह के वो लोग जो अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरों पर निर्भर थे,
दूसरी तरह के वो लोग जो किसी पर निर्भर नहीं है, निर्भर नहीं थे, अपना जीवन यापन खुद चला रहे थे, और तीसरी तरह के वो लोग जो लोगों को हेल्प कर रहे थे। जैसे मान लो टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ रुपए दान किए, पैसा था तभी तो किया ना, वरना आप और हमने तो नहीं किया 1500 करोड़ रुपए दान। इनके पास इतना पैसा जितनी कैलकुलेशन इनके पास नहीं होगी। पैसों की आजादी मिली, पैसों की आजादी के साथ साथ इनको समय की आजादी मिली। आज इन्होंने अपने सिस्टम को ऐसा क्रिएट किया है, ऐसे इन्होंने इनकम सोर्स तैयार किए हैं बहुआयामी करके, कि आज ये जहां चाहे वहां जा सकते हैं, इनके पास कोई टाइम बाउंड नहीं है। इसके साथ इनको परिवार की सुरक्षा मिली। देखिए दोस्त, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, देखिए अपने को सब कुछ चाहिए। एक एग्जांपल, जैसे मान लो हमारे शहर का आईएएस ऑफिसर, कितनी योग्यता होती है आईएएस ऑफिसर के बाद, लाखों लोगों में से कोई एक आईएएस ऑफिसर बनता है। लेकिन इतनी योग्यता होने के बाद जिस दिन आईएएस ऑफिसर इस दुनिया से जाता है, वो फैमिली को जीरो करके जाता है। लेकिन मुकेश अंबानी जब दुनिया से जाएगा, अपनी फैमिली को जीरो करके नहीं जाएगा। वो आज शाम के समय में आज अपने बच्चों के साथ खाना खाने बैठता है ना दोस्त, तो अपने बच्चों को यही बात बोलता है कि बेटा मैं दुनिया में रहूं चाहे नहीं रहूं, इन 35 करोड़ जियो वालों से 200 रुपये तुम लेते ही रहिए, राइट। यानी इनके पास परिवार की सुरक्षा है, ये इनका काम अपने से नहीं चलता है। फिर इनको प्यार व मान सम्मान मिलता। देखिये दोस्त, पार्टी चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, इनका मान सम्मान करने के लिए इनके दर पे सब आते हैं। इनको प्यार व मान सम्मान मिला लोगों से, दुनिया से। इनका जो सर्कल है वो दुनिया के कामयाब लोगों का है। आज जब किसी के पास उठते बैठते हैं तो ये बिल गेट्स के साथ उठते बैठते हैं, मोदी जी के साथ बैठते हैं, वॉरेन बफेट के साथ बैठते हैं, ट्रंप के साथ बैठते हैं। दुनिया के कामयाब लोगों से ये सीखते हैं, उनके साथ आगे बढ़ते हैं, और ये खुद अपनी जिंदगी में खुद अपने बॉस हैं। इनका दूसरा कोई और बॉस नहीं है। ऐसी ड्रीम लाइफ आप अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, ऐसी लाइफ अपनी हो तो कितना मजा हो, जहां पर पैसे की कोई तंगी ना हो, समय की पूरी आजादी हो, परिवार की सुरक्षा हो, लोग अपने से प्यार करें, अपना सम्मान करें, आत्माराम जी जैसे कामयाब लोगों का अपना सर्कल हो, और हम अपनी जिंदगी के खुद अपने बॉस हो। अपने को किसी बॉस के ऑर्डर का इंतजार नहीं करना पड़े कि 4 बजे फोन उठाना है, 7 बजे घर जाना है, छुट्टी इतने दिन की नहीं दोस्त, हम अपनी जिंदगी के अपने बॉस हो। ऐसी लाइफ हो जिसको बोलते हैं ड्रीम लाइफ, तो कितना मजा आए। क्या आप ऐसी लाइफ पाना चाहते हैं? बशर्ते सभी कहते हैं कि, सभी कहेंगे यस पाना चाहते हैं। लेकिन ऐसी लाइफ अगर अपने को पाना चाहते हैं तो अपने जयपुर गिट्टी के सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि अपने को बिजनेस करना पड़ेगा। अब बिजनेस जब करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो बिजनेस में चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला चैलेंज बिजनेस के अंदर यह है कि हिंदुस्तान में कोई भी बिजनेस करो, आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको क्या लगता है रिलायंस जियो यूं ही हिट हो गया? नहीं दोस्त, रिलायंस जियो ऐसे ही हिट नहीं हुआ था। मुकेश अंबानी ने इतना पैसा मार्केट में फूंका था कि सारी टेलीकॉम कंपनियों को बेच दो तब भी उतना पैसा नहीं था। किसी भी तरह के बिजनेस को चलाने के लिए इतना पैसा चाहिए बल्क में। और आत्माराम जी कई बार अपनी मीटिंग में बात बताते हैं कि छोटे मोटे पैसों से बिजनेस चलता नहीं है, क्योंकि बाजार में अब इतने बड़े बड़े मगरमच्छ है कि वो छोटी मछलियों को पैदा ही नहीं होने देते। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए बिजनेस चलाने के लिए। जहां पर इन्वेस्टमेंट लगती है वहां पर रिस्क साथ में आता है, क्योंकि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ ये कोई पहले नहीं कह सकता, रिस्क आएगा साथ में। रिस्क लेने की क्षमता अगर आपके पास में है तो फिर बिजनेस चलने के लिए एक जगह चाहिए। मान लो अभी आपने निर्णय कर लिया कि मेरे को 5 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं और मैं रेमंड का शोरूम खोलूंगा, तो क्या आप उस शोरूम को अपने घर के किचन में खोल सकते हैं? नहीं दोस्त, आपको जगह चाहिए, प्लेस चाहिए। जगह आपके पास है तो आपको 100%, मैं तो कहता हूँ 101% टाइम यानी आपको वहां पर डालना पड़ेगा, अपना एफर्ट्स वहां पर डालना पड़ेगा। घर में किसी की शादी भी है ना, तब भी आपको दिन में 4-5 बार दुकान में स्टाफ को फोन करना पड़ेगा भी क्या चल रहा है। अपने टाइम बाउंड वहां पर हो जाएंगे, टाइम डालना पड़ेगा। टाइम आपने डाल दिया तो फिर बिजनेस चलाने के लिए एबिलिटी चाहिए। सर मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि हिंदुस्तान में 71% कारोबार, 71% कारोबार जो अपने पैसों से शुरू होते हैं वो 1 साल में बंद हो जाते हैं, 1 साल में दम तोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास बिजनेस चलाने के लिए क्या नहीं थी, योग्यता नहीं थी, काबिलियत नहीं थी। और हमारे राजस्थान में कहावत है कि अकल योग्यता काबिलियत एबिलिटी बादाम खाने से नहीं आती है, बछीड़ खाने से आती है। यानी कि वो अपने की एबिलिटी है जो बादाम खाने से नहीं आएगी, फील्ड में जाके ठोकरे खाने से आएगी। और एबिलिटी हम मान लेते हैं आपके आपके पास कूट कूट के भरी है, तो फिर आपके सामने आएगा कंपटीशन। और कंपटीशन दोस्त आज के समय बाजार में इतना ज्यादा है कि लोग ना आपको जीने देंगे ना आपको मरने देंगे। बाजार में आज के समय में जितने बिजनेस चल रहे हैं, कुछ बिजनेसमैन यहाँ पर इस मीटिंग में भी होंगे, जितने भी बिजनेसेस आज बाजार में चल रहे हैं, आप सोच के देखिए
कि बाजार में अभी के समय में ज्यादातर जो धंधे हैं नो लॉस नो प्रॉफिट पे चल रहे हैं, सिर्फ इस नाम पे कि बस नाम रह जाए, जैसे तैसे काम चल जाए, इस तरह से बिजनेस चलते हैं। इतने सारे चैलेंज जब सामने आते हैं तो आप भी बोलते हैं कि अपने तो खेती कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, इतने सारे चैलेंज हमारे से सहन नहीं होते हैं। तो पर मुझे बताइए, क्या फिर दुनिया में 5% लोगों के पास ये अधिकार है कि उनके बच्चे ही बड़े होंगे, उनके ही बच्चे अमीर बनेंगे? तो फिर वो लोकमान्य तिलक साहब ने कहा था कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर किस आधार पे कहा उन्होंने ये बात? अगर इतने सारे चैलेंजेस हमारे पास में हैं तो अमीर 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 और अमीर होते जाएंगे, कभी गरीब अमीर नहीं होंगे। तो इसका अपने को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन है आरसी बिजनेस, और आरसी बिजनेस ये प्रूफ करके दिखाया लोकमान्य तिलक साहब के उस स्लोगन को उन्होंने प्रूफ किया कि वास्तव में सफलता हर आदमी की जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है आरसी बिजनेस, क्या है इसका मार्केटिंग प्लान, क्या है इसका बिजनेस प्लान, आइए देखते हैं। देखिए दोस्त, हम सुबह से लेकर शाम तक घर में क्या क्या काम करते हैं। हम सुबह उठे, हमने टूथपेस्ट किया, हम नहाए, हमने शैम्पू यूज किया, साबुन यूज किया, हम कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, जो भी है। सुबह से लेकर शाम तक हम अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ सामान इस्तेमाल करते हैं, और वो सामान बाजार में ट्रेडिशनल तरीके से जो आता है वो सामान एक कंपनी बनाती है। आपने सुबह उठकर टूथपेस्ट इस्तेमाल किया, आप मुझे बताइए क्या वो टूथपेस्ट आपने घर पे बनाया था? नहीं दोस्त, वो टूथपेस्ट किसी न किसी कंपनी ने बनाया था, हमने उसको खरीदा, हम उनके लिए ग्राहक है, ग्राहक उस सामान को इस्तेमाल करता है, कंपनी उस सामान को बनाती है। पर इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है कि ना तो ये ग्राहक यानी कि हम कभी सामान लेने कंपनी के पास जाते हैं, ना ही कभी कंपनी सामान देने हमारे पास आती है। क्या होता है, कंपनी सामान बनाने के बाद सबसे पहले वो माल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से वही माल एक डीलर के पास जाएगा, डीलर से वही माल एक होलसेलर वाले के पास जाएगा, होलसेलर से वही माल एक रिटेलर के पास जाएगा। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेल और रिटेल, इनके माध्यम से वो सामान ग्राहक तक पहुंचता है। ग्राहक को सामान के बारे में बताने के लिए बीच में कड़ी होती है विज्ञापन, जिसके थ्रू इसको बताया जाता है कि फला फला सामान बाजार में आया। ये एक तरीका है सामान को बेचने का, सामान को मार्केट करने का, सामान को आप तक पहुंचाने का, कि एक कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डीलर के पास जाएगा, होलसेल वाले के पास जाएगा, रिटेल के पास जाएगा, विज्ञापन से आपको बता के आपको प्रोडक्ट बेचा जाएगा। इससे क्या हो रहा है, कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, बिचौलियों के थ्रू आपके पास जब आ रही है, बीच वाले जितने भी लोग हैं, ये दुनिया में 5% लोग है, हमारी जो संख्या है वो 90% या 95% है, लेकिन ये सबके सब पैसा कमाते हैं। आप सोचिए, डिस्ट्रीब्यूटर फोकट में काम नहीं करता है, डीलर फोकट में काम नहीं करता है, होलसेल वाला फोकट में काम नहीं करता है, रिटेल वाला फोकट में काम नहीं करता है, विज्ञापन वाला फोकट में काम नहीं करता है, सबके सब पैसा कमाते हैं। और ये जितने भी लोग पैसा कमाते हैं, ये पैसा निकलता है हमारी ही जेब से, आम आदमी की जेब से, और 90% 95% लोगों का पैसा निकल के इन 5% 10% लोगों की जेब में जा रहा है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। ये हमारे देश की परिभाषा है, और इसको प्रूवन के साथ देखो तो 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ, देश की जो पहली सरकार बनी उस सरकार का यही नारा था, गरीबी हटाओ। और अभी जो लास्ट देश की सरकार बनी है उसका भी यही नारा है, गरीबी हटाओ। तो हटी क्यों नहीं, हटी इसलिए नहीं दोस्त क्योंकि 70 सालों से हमारा खर्चा करने का तरीका यही है, और जब तक यही तरीका चलता रहेगा तब तक 90% 95% लोगों की इनकम इनके जेबों से निकल के 5% 10% लोगों के घरों में जाती रहेगी, अमीर और अमीर होते रहेंगे, गरीब और गरीब होते रहेंगे। क्या है इसका उपाय, यह सोचा एक महान व्यक्ति, मैं जोरदार तालियां चाहूंगा मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, इनके दिमाग में आज से 20 साल पहले एक विचार आया कि क्यों ना इन सारे बिचौलियों को हटा के कंपनी और कस्टमर को मिला दिया जाए, क्यों ना कोई एक ऐसा काम किया जाए जिससे हिंदुस्तान के आम आदमी को ऊपर उठाया जा सकते। क्योंकि कहते हैं ना दोस्त, बीसी सर बोलते हैं कि क्या हुआ चमन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आएगी जब पूरे गुलशन में बाहर आएगी, ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे पूरी तरह से वो याद नहीं है। टीसी छाबड़ा जी 1977 से कपड़े का कारोबार कर रहे थे, वो इसी तरीके से कंपनी कपड़ा बना रही थी, मीडिएटर्स के थ्रू लोगों तक पहुंच रहा था। आज से 20 साल पहले उन्होंने निर्णय लिया कि आज के बाद मैं कपड़ा इस तरीके से नहीं बेचूंगा, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से बेचूंगा। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है, इन्होंने बोला कि मेरी कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, सारे बिचौलियों को बीच में से हटा देगी, सीधा प्रोडक्ट एक ग्राहक तक पहुंचाएगी। इस सिस्टम का नाम उन्होंने दिया आरसीएम बिजनेस, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। खरीदारी का सही तरीका आप सोचे दोस्त किस लिए है, कैसे है कि फैक्ट्री से माल बनेगा और सीधा आपके पास आएगा, एक माल सीधा आपके पास आए, एक बिचौलियों के थ्रू आए, तो सही तरीका तो वही होता है दोस्त, जिसने बनाया उससे सीधा आपके पास आ जाए।
बात करते हैं आरसी बिजनेस की, इसके मालिक है मिस्टर टीसी चावड़ा जी। आज नेटवर्क मार्केटिंग पर हिंदुस्तान में रावण राज चल रहा है, लेकिन टीसी सर ये बात बोलते हैं कि आरसी बिजनेस जो है इसकी जो सारी तैयारियां हैं वो सिर्फ ख्याली चमत्कार और अस्थायी लालच के बजाय व्यवहारिक सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित है। अभी आरसी बिजनेस ने सेप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, सैकड़ों करोड़ रुपए लगा के कंपनी ने सेप का सॉफ्टवेयर लगाया है। इसका मतलब आत्माराम जी एक बार मेरे को बात बोल रहे थे कि टीसी छाबड़ा जी ने हजार साल का काम कर दिया। सेप का सॉफ्टवेयर लगाने का मतलब ही यही है कि कंपनी का विजन बहुत बड़ा है। क्या है आरसी बिजनेस, थोड़ी इसके बारे में इसका प्रोफाइल वीडियो देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आपको आरसी में पाओ समझ की शुरुआत सन 2000 में एक प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलर से हुई और आज 2500 से ज्यादा एम्प्लॉइज, 30 रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड्स में 400 से अधिक क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस सिस्टम में हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान में इन प्रोडक्ट्स का लाभ उठा रहे हैं। इस सिस्टम से जुड़ते ही ये लोग एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। RCM में सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक उपयोग में आने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट उपलब्ध हैं और लगातार इसमें नए प्रोडक्ट शामिल हो रहे हैं। RCM का मानना है हेल्थ सही तो लाइफ सही। RCM की R&D टीम इस पर विशेष काम करती है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य व वातावरण के लिए हानिकारक ना हो। इस दिशा में RCM के पास डेली यूज के कई नायाब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और बहुत बड़े मुकाम भी हासिल किए हैं। RCM के पास सभी प्रोडक्शन यूनिट्स में फुल्ली इक्विप्ड क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीम है, जहां हर प्रोडक्ट 4-स्टेज क्वालिटी चेक के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है। हाइजीन और प्रोडक्ट सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पर इन प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, जिससे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इन प्रोडक्ट को बिना किसी चिंता के इस्तेमाल कर सकता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तथा डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए RCM का हेड ऑफिस 17 लाख स्क्वायर फीट में खुला है। यहाँ पर स्थित है RCM प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउस तथा हेड ऑफिस। इसके अलावा उत्तराखंड और आसाम में मैन्युफैक्चरिंग की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, जो 4.5 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है। इतना ही नहीं, RCM के प्रोडक्ट देश के कोने कोने में रेनाउंड कंपनीज द्वारा फुल्ली क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आप अपने घर बैठकर देश के किसी भी कोने में RCM बिजनेस को कर सकते हैं। देश के सभी राज्यों में मोर देन 8500 एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर RCM के प्रोडक्ट उपलब्ध है और कंपनी के 100 से अधिक डिपो से इन सेंटर्स को प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है। RCM का एक उद्देश्य है कि एक बढ़िया एक फेयर सिस्टम डेवलप किया जाए, इथिकल सिस्टम हो, जहां वैल्यूज हो, जहां प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट दिया जाए और जो उपभोक्ताओं को जो बेनिफिट देना है वो एक रीजनेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि इस देश का आम आदमी अपने जीवन को खुशहाल बनाए। तो उस सारी चीजों को देखते हुए हमने चुनौती स्वीकार करी है कि हम इस सिस्टम को ऐसा बनाएंगे जो शायद दुनिया में किसी ने आज तक नहीं बनाया है, क्योंकि कंपनी की सबसे मुख्य जिम्मेदारी होती है अच्छे प्रोडक्ट देना, रियल प्रोडक्ट देना, रीजनेबल रेट में देना, बढ़िया क्वालिटी के साथ देना, और वो सारे के साथ में आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी उसमें एक रीजनेबल तरीके से होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड आंकड़े बोलते हैं कि हमारा स्थान 22वें नंबर पर है, जबकि पॉपुलेशन हमारी विश्व में दूसरे नंबर पर है। यहाँ के आम आदमी की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हर दृष्टिकोण से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बहुत बेहतरीन चीज है इस देश के लिए। मैं संकल्प लेता हूँ कि और कुछ जो भी इसमें अच्छे से अच्छा करना है वो हम करते रहेंगे लगातार। जिस तरह से ये सिस्टम आज तक खड़ा हुआ है, कभी भी उन मूल्यों को नहीं खोएगा, बल्कि उन मूल्यों को और बढ़ाया जाएगा और अच्छे से अच्छा सिस्टम बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने RCM की पावर को देखा, ऐसा प्रोफाइल वीडियो जहां पर 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हेड ऑफिस किसी भी कंपनी का हो, तो मुकेश कोठारी सर की भाषा में आप आपकी टांगों के नीचे से निकल सकते हैं, इतना पावरफुल। आपने क्या देखा कि RCM बिजनेस की शुरुआत मात्र एक पेंट पीस के साथ हुई, आज 30 से ज्यादा अम्ब्रेला ब्रांड में कंपनी 400 से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है और ये सबके सब प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है। अभी देश की सरकार आपको ये बोल रही है कि देश की अर्थव्यवस्था को वापस बचाना है तो हमें वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए जो भारत में बने हो, तो ये RCM के सारे प्रोडक्ट भारत में बने हैं और भारतीयों के लिए बने हैं, तो ये भी हमारे लिए बड़े फक्र की बात है।
और आपने देखा कि आरसीएम बिजनेस के आज 120 से ज्यादा डिपो हैं, 15,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर हैं, और ये है आरसीएम का आने वाला फ्यूचर। 100 से ज्यादा वंडरवर्ल्ड कंपनी ने पिछले नवंबर में प्लानिंग की थी, 4 महीने में प्लान कर लिए। इस तरह से आरसीएम का फ्यूचर आप सोच के देखिए, आपके बच्चे जब बड़े होंगे वो जब आरसीएम के स्टोर पे जाएंगे तो आज की तरह पिकअप सेंटरों की तरह नहीं होंगे, वो इस तरह के हिंदुस्तान के कोने कोने में आरसीएम के स्टोर होंगे, तुम्हारे बिजनेस में 4 चांद लगने वाले हैं। आरसीएम बिजनेस की शुरुआत इस एक महान सक्सेस के साथ बीसी चावड़ा जी के साथ शुरू हुई और आज हम जैसे 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का ये परिवार बना। और मैं नमन करता हूँ ऐसे इंसान को, आज हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती है तो हम रोते रहते हैं, लेकिन बीसी सर ने शुरू किया था, आप सोचिए, एक प्रोडक्ट था, एक कंपनी थी, एक स्टोर था, यहाँ से शुरुआत की। और उस समय उन्होंने बोला पहले दिन कि 1 करोड़ लोगों को आरसी मिलाना मेरा टारगेट है, हम 2 की सोचते हैं, बीसी सर ने पहले दिन ही 1 करोड़ लोगों का सोचा। इसलिए त्रिलोक जी बोलते हैं आप फेल के सोचिए, विजन के साथ सोचिए, अगर आप बड़ा सोच सकते हैं तो आप बड़ा कर सकते हैं। आप भी सोचिए ना कि मैं मेरी टीम में 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क कैसे बनाऊं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस में और देखिए, इसके रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जी, ये भिलवाड़ा का प्लांट है, ये आपका उत्तराखंड का प्लांट है, ये आसाम का, और भी हिंदुस्तान में छोटे छोटे प्लांट बहुत सारी जगह पर है। ये आरसीएम की आधुनिक लैब है, ये आरसीएम का हेड ऑफिस है, ये हमारे प्रतिष्ठित पार्टनर है, जो हिंदुस्तान की टॉपेस्ट कंपनियां है वो आरसीएम के साथ हाथ मिला चुकी है। और जैसे ही ये सेप का सर्वर डेवलप होगा तो हिंदुस्तान की या दुनिया की कोई ऐसी बड़ी लीडिंग कंपनी नहीं होगी। देखिए, टीसीजी उसी कंपनी के साथ काम करते हैं जो एथिक्स फॉलो करती है, तो हिंदुस्तान की कोई भी या दुनिया की कोई भी एथिकल कंपनी ऐसी नहीं होगी जो आरसीएम के साथ वो कोलैबोरेशन में नहीं होगी। और ये एक रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मंथली टर्नओवर करने वाली कंपनियों में आरसीएम उन चुनिंदा कंपनियों में है जो हर साल ग्रोथ पे ग्रोथ लेके आ रही है ये। और पिछले साल जो कंपनी ग्रोथ थी वो अप्रोक्सीमेटली 79% थी, तो आप इसका फ्यूचर देख सकते हैं। ये आरसीएम को मिले कुछ अवार्ड रिवार्ड, देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक हम पहुंच गए, लोग अभी भी बोल रहे चल रही है क्या, हेलो, आरसीएम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंच गया, लोग बोल रहे चल रही है क्या, भारत का सबसे भरोसेमंद ब्रांड अवार्ड, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ब्रांड, बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड, प्रधानमंत्री जी द्वारा, राष्ट्रपति जी द्वारा, और भी बहुत सारे अखबार तो यहाँ तक लिखने लगे कि रिलायंस के बाद भीलवाड़ा की आरसीएम दूसरे पायदान पर। रिलायंस चल रही है 70 सालों से, आरसीएम चल रही है 20 सालों से। जिस दिन आरसीएम को 70 साल हो जाएंगे उस दिन माइक्रोसॉफ्ट से भी आगे आरसीएम होगा, ऐसे खबरें आएगी कि माइक्रोसॉफ्ट और आरसीएम के बीच में नंबर वन की तगड़ी रेस लग रही है, ऐसा कुछ होने वाला है। और आज जो रावण राज चल रहा है उसमें आरसीएम ब्रांड जो है वो पूरी तरह संवैधानिक है, हमारी कोई भी गतिविधि चिट फंड एक्ट के तहत नहीं आती है, हम प्रोडक्ट बेस्ड कारोबार करते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ करके कोलैबोरेशन करके अपॉर्चुनिटी एंड डायरेक्ट सेलिंग प्रोग्राम हुआ था जिसमें टीसी चावड़ा जी एज ए गेस्ट इस प्रोग्राम में पहुंचे थे, और ये 1700 करोड़ तक हमारा कारोबार पहुंच चुका है। और आने वाला, मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से कल एक कदम जी का वीडियो आया था, अभी सर भी उस बारे में बता रहे थे, अगर वो वीडियो आपने देखा तो 1700 करोड़ अभी ये सालाना है, लेकिन सौरभ छाबड़ा जी की ये प्लानिंग है कि 1700 करोड़ ये दिन का आए, तो 1700 करोड़ दिन की वो प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप सोच के देख सकते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, अब बात आती है कि ये तो सब कुछ हो गया, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट करना है, इसको ज्वाइन करना है और एक नई पार्टनरशिप करनी है आरसीएम बिजनेस के साथ में। सर, बाजार में जो पार्टनर थे ना वो कोरोना में छूट रहे हैं, और बाजार जाओगे तो पान वाला भी आपको पार्टनर नहीं बनाता है, यहाँ पर 1000 करोड़ की कंपनी है, बोल रही है कि आइए एक नई पार्टनरशिप करते हैं। और ये पार्टनरशिप करने के लिए बाजार में जिस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिस्क आती है, जगह चाहिए, टाइम चाहिए, योग्यता चाहिए, कंपटीशन चाहिए, ऐसी कोई भी चीज इस पार्टनरशिप में नहीं चाहिए। इस पार्टनरशिप को करने के लिए सिर्फ आपकी KYC चाहिए, और वो भी ऑनलाइन। जिस भी साथी ने आज आपको यहाँ पर इन्वाइट किया है उसको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो, ये KYC के 4 डॉक्यूमेंट भेजना, और आपकी आरसीएम के साथ पार्टनरशिप हो जाएगी। और पार्टनरशिप होते ही जयपॉल गेट्टी का सिद्धांत नंबर 1 उसकी पालना होगी, ये आपका खुद अपना बिजनेस हो गया। अब सोचिए ना दोस्त, कब तक हम लोगों के इशारों पर नाचते रहेंगे, मैंने पहले भी एक बात की, अब समय आया है खुद का मालिक बनने का। और आरसीएम बिजनेस जब आपको मालिक बनाने को तैयार है तो दोस्त हम सोने का कटोरा लेके भीख क्यों मांग रहे हैं, राइट? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर समय आया है मालिक बनने का, तो मालिक बनने की ओर अग्रसर कीजिए। तो इसको स्टार्ट करते ही देखिए, जयपॉल गेट्टी के सिद्धांतों को पालन करके टाटा अमीर बन सकता है, रिलायंस अमीर बन सकता है, बाटा अमीर बन सकता है,
और उन सब में हमारे में क्या बात कॉमन है पता है, वो सब के सब कभी ना कभी जीरो थे, हम आज जीरो हैं। उन सब ने जयपॉल गेटी के सिद्धांतों को फॉलो किया, आज वो दुनिया के हीरो बन गए। अगर हम भी जयपॉल गेटी के सिद्धांतों को फॉलो करेंगे तो हम भी दुनिया में हीरो बन जाएंगे। तो सिद्धांत नंबर एक की पालना हो गई, हमारा अपना बिजनेस हो गया। बिजनेस करने के बाद क्या करना है, ये सुबह से लेकर शाम तक घर में यूज होने वाले आरसीएम 400 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है। ये सामान आज तक हम कहीं ना कहीं से लाते थे, अब वो सामान हमें आरसीएम की स्टोर से लेके आने, आरसीएम पिकअप सेंटर वंडरवर्ल्ड स्टोर से लेके आने। क्यों लेके आने, क्या क्या फायदे हैं अपने को, सॉरी क्या क्या फायदे अपने को आरसीएम बिजनेस स्टोर पे लाने के, वो अपने बातचीत करेंगे। जैसे ही आरसीएम बिजनेस को आप ज्वाइन करते हैं, इसके प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो जयपॉल गेटी का सिद्धांत नंबर दो की आपकी पालना हो गई, आरसीएम में वही प्रोडक्ट है, आपके बिजनेस में वही प्रोडक्ट है जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं। मैं आपसे बात करूं तो न्यूट्रिशन आप रोज लेते हैं, होम केयर के प्रोडक्ट आप रोज लेते हैं, किचन वेयर, फूड, ग्रोसरी, फुटवेयर, इनरवेयर, वुमेन्स क्लोथ, कपड़े, चप्पल, जूते, जो भी है ये रोज इस्तेमाल करते हैं। यानी आपका बिजनेस हो गया रोजमर्रा में काम आने वाले सामानों का हो गया। और अगर हम सामान ये आरसीएम की दुकान से लाएंगे तो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, आइए देखते हैं। ये आरसीएम की स्टोर है, एक बाजार की स्टोर है, दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले आरसीएम के स्टोर में जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो 100% शुद्ध क्वालिटी वाला मिलता है, ऐसी कोई व्यवस्था बाजार में नहीं है। आज हमारे देश में जैसे सुरेंद्र वत्स साहब बोलते हैं कि एक आंकड़ा है कि 10 में से 7 आदमी किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से परेशान है, बीमार नहीं है, मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से परेशान है। जैसे 10 में से 1 आदमी को डायबिटीज है, 10 में से 1 को कैंसर है, 10 में से 1 का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, 10 में से 1 को बीपी की दिक्कत है, 10 में से 1 को मोटापा है, 10 में से 1 के जॉइंट दर्द कर रहे हैं, कुछ ना कुछ। 10 में से 7 आदमी किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से परेशान है। और ये सारी स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी परेशानियां होती है ये आपके मिलावटी खान पान की वजह से होती है। और आरसीएम बिजनेस जो आपको प्रोडक्ट देता है वो 100% शुद्ध क्वालिटी वाला प्रोडक्ट देता है, क्योंकि बाजार में जो प्रोडक्ट आते हैं वो बिचौले के थ्रू आते हैं, पर चांसेस रहते हैं कि बिचौले प्रोडक्ट मिलावट कर सकते हैं। आरसीएम में क्या है, फैक्ट्री से सीधा सामान आपके पास आता है, तो जैसा फैक्ट्री में बना था वैसा का वैसा आपको मिलेगा। ये शुद्धता की क्वालिटी बाजार में कोई नहीं देता है। अब बोलते हैं सर आरसीएम का शुद्ध है, इसकी क्या गारंटी है, तो गारंटी यह है आरसीएम अपने हर सामान का पक्का बिल देती है जो बाजार में कोई नहीं देता है। वो पीली कलर की जो पर्ची है वो बिल नहीं है, वो एक रिकॉर्ड है। इससे भी समझ में नहीं आए तो आरसीएम बिजनेस आपको हर सामान पर 30 days मनी बैक गारंटी देता है जो बाजार में कोई नहीं देता। बाजार में तो लोग बोलते हैं कि मेरी दुकान पर जब तक खड़े हो तब तक ये सामान मेरा है, दुकान से गई है आपका है। लेकिन आरसीएम नमक पर भी बोलता है कि आप इसको लेके जाओ 2, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25 नहीं 30 दिन तक इस्तेमाल करना। समझ में नहीं आए तो दुकान पे वापस जाना, सारा सामान वापस देना, पूरा पैसा वापस ले जाना। और गारंटी दोस्त वही देता है जिसके प्रोडक्ट ओरिजिनल हो, डुप्लीकेट वाला कोई गारंटी नहीं देता है। और क्या फायदा, आरसीएम का सामान बाजार से तकरीबन 30% आपको सस्ता मिलता है, 30%। एग्जाम्पल जैसे बाजार में डेटोल साबुन आते भी, गर्मियों के सीजन में खूब चलने वाली साबुन डेटोल, डेटोल साबुन की जो पैकिंग आती है बाजार में, थोड़ा ध्यान से सुनना, 200 रुपए की 4 आती है और 4 के साथ एक फ्री आती है। यानी को 4 का सेट देते हैं, एक साथ में फ्री मिला के 5 का सेट बनाते हैं। यानी कि छूट करो तब भी 200 रुपए की 5, यानी कि 40 रुपए की एक साबुन देते हैं वो, 40 रुपए की वो साबुन देते हैं 125 ग्राम यानी कि 125 ग्राम। उसको अगर 100 ग्राम में कन्वर्ट करें तो बाजार में डेटोल 32 रुपए की 100 ग्राम है, 32 रुपीज की 100 ग्राम है। अब आरसीएम की डेट मेक्स आपको मिलती है 30 रुपए की, तो 2 रुपए बाजार से सस्ती मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटर को मिलती है 24 रुपए की, 6 रुपए दुकान पे छूट हो जाते हैं और कम से कम 2 रुपया आपके खाते में वापिस आ जाता है अगर आपकी कोई डाउनलाइन नहीं है तब भी। तो 2 रुपए दुकान पे बाजार से सस्ता था, 6 रुपए दुकान पे छूट हो गई, 2 रुपए कम से कम खाते में आए, मैक्सिमम ये 7 रुपए तक आ सकते हैं, 2 रुपए कम से कम भी आए, तो 2, 6, 8 और 2, 10 बाजार में मिली 32 रुपए की, आरसीएम में 10 रुपए वापिस आ गए। यानी कि आरसीएम का सामान बाजार से कम 30% सस्ता है। किसी भी प्रोडक्ट को उठा लो, आप नमक की बात करो, बाजार में लीडिंग कंपनी है टाटा, उसका नमक आता है 20 रुपए किलो, आरसीएम नमक देती है 18 रुपए किलो, यानी 2 रुपए की छूट।
डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है 15 रुपए का, 3 रुपए की फिर छूट हो गई, 1 रुपया मिनिमम खाते में आ जाता है। तो 2 रुपए सस्ता था, 3 रुपए छूट हो गई, 1 रुपया खाते में, यानी 6 रुपए मिनिमम। यानी आरसीएम का हर सामान, मैंने पूरी कैलकुलेशन करके देखी है सारे सामानों की, हर सामान बाजार में 30% सस्ता है। हेल्थ गार्ड की बात करो, बाजार में सफोला टोटल के नाम से राइस ब्रान ऑयल आता है, सफोला टोटल डब्बा पैकिंग आती है, उसमें 70% राइस ब्रान है, 30% सनफ्लावर तेल उसके अंदर मिक्स है, ओरिजिनल उसका 700 mg है, और वो सफोला टोटल 200 रुपए लीटर आता है, 200। मेरे पास भी डब्बा पड़ा भी है, अगर आपको दिखाऊंगा मैं। ये राइस ब्रान ऑयल आता है बाजार में सफोला टोटल के नाम से, इस पे लिखा है राइस ब्रान ऑयल, इस पे लिखा है 70% राइस ब्रान है इसके अंदर, और मैं इसको कंपैरिजन को तौर पे लेके आया, ये 200 रुपए लीटर है और इसमें ओरिजिनल 700 mg है। आरसीएम ऑयल आपको देती है 174 रुपए लीटर, यानी कि बाजार से 26 रुपए सस्ता। डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है 140 रुपए का, यानी कि 34 रुपए और कम, और कम से कम 6 रुपए खाते में वापस आ जाते हैं, यानी कि 24 रुपए सस्ता था, 36 रुपए खाते में वापस आ गए, सॉरी बाजार में दुकान पे छूट हो गई और 6 रुपए खाते में वापस आ गए, यानी 66, बाजार में 200 रुपए का आरसी में 66 वापस आए, यानी कि कम से कम आरसीएम का हर सामान बाजार से 30% सस्ता है। अब आप सोचिए, अगर आपके घर खर्चा महीने में 10,000 रुपए का लगता है और वो आरसीएम साने लग जाए तो कम से कम 30% बचेगा, मैं ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा, तब भी आपके 3,000 रुपए पर मत बचेंगे। और 3,000 रुपए का क्या करना है ये आत्माराम जी से पूछ लेना, ये आपके करोड़ों रुपए बना देंगे उसके, ऐसी कोई व्यवस्था बाजार में नहीं है। राजेश श्याम जी, बीच में एक बार बोलना चाहूंगा, एक मिनट के लिए बोलना चाहूंगा। यस सर। डेटोल के ऊपर आपने बात की थी, डेटोल का टीएफएम 73% मैक्सिमम है, और 73% टीएफएम के साथ में उसमें कुछ केमिकल जले हुए हैं। गूगल का ये कहना है कि वो साबुन नहाने के काम का है ही नहीं, इवन हाथ धोने के भी काम का नहीं है। गूगल ये कहता है कि डेटोल ना तो नहाने का है ना धोने का है, डेटोल साबुन यूज नहीं करने का। आरसीएम का साबुन 76% टीएफएम है, और गूगल ये बताता है कि 65-75% टीएफएम के, मेडिकल साइंस ये कहती है 65-75% टीएफएम के साबुन है, वो सिर्फ हाथ धो सकते हो, नहा नहीं सकते हो, 55-65 वालों से जानवरों को नहला सकते हो, और 75 से ऊपर वाले नहाने के काम के है। डेटोल 73% है, टीवी में बच्चों को नहलाने से, अगर डेटोल की एड देख के आप बच्चों को नहला रहे हो, आप उनको पॉइजन दे रहे हो, आप उनको बाहर से पॉइजन से नहला रहे हो, इसलिए कभी भी आपको डेटोल इस्तेमाल करना ही नहीं है, डेटोल इस्तेमाल करना ही नहीं है। अगर करो तो भी सिर्फ हाथ धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 73% टीएफएम है, 75 से ऊपर के साबुन नहाने के होते हैं, आरसीएम डेटमैक्स 76 है, यानी नहाने का है, नहाने का है, केमिकल नहीं जला हुआ है, नहाने का है। दूसरा, हेल्थ गार्ड के बारे में राजेश श्याम जी अभी बता रहे थे आपको, सफोला जो आपने क्या नाम बोला था सफोला का राजेश श्याम जी, सफोला टोटल सफोला टोटल में सारा ही सफोला है टोटल, क्योंकि 70% राइस ब्रान और 30% कौन सा बताया आपने इसमें, सनफ्लावर सीड। ये 70% सनफ्लावर सीड, ये 30% सनफ्लावर सीड नहीं है, ये 100% सनफ्लावर सीड है। बिकॉज आपको एक जानकारी करेक्ट कर दूं, अगर राइस ब्रान ऑयल में आप कुछ भी मिला दोगे, अगर आपके पास 90% राइस ब्रान ऑयल है, 10% आपने दूसरा मिलाया, बॉइल किया, कच्चा रखोगे, तब तक 70-10 या 90-10 आएगा। जैसे ही बॉइल करोगे और लैब टेस्ट करवा लेना, वो जो 10% वाला है ना, वो 100% निकलेगा, ये 90 वाला जीरो हो जाएगा, क्योंकि राइस ब्रान ऑयल में कोई भी दूसरा ऑयल मिला के गर्म करने पे वो सारे के सारे उस गुण, उसके प्रोडक्ट के गुण ग्रहण कर लेता है जो उसमें कम मात्रा में डाला गया है। तो ये सफोला टोटल में राइस ब्रान ऑयल जीरो है, जीरो है, क्योंकि किचन में कच्चा यूज नहीं होता है, बॉइल होता है। गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाने के लिए, FSSAI को बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने 70-30 कर दिया है, और 70 बोल के ये 200 रुपए में बेच रहे हैं। एक्चुअल में ये सनफ्लावर सूरजमुखी का तेल है, और यही कारण है सफोला टोटल खाने वालों का भी टोटल हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है। थैंक यू सो मच। और सर, डेटोल ने अभी मेरे पास जो साबुन पड़ी है, इसका सर टीएफएम है, वो उन्होंने 60% कर दिया, 60%। हाँ, तो ये तो नहाने का भी नहीं है, ये तो कुत्ते नहलाने का साबुन है, हाथ भी नहीं धोबो इससे, उन्होंने लिखा है 60%। इससे तो हाथ भी नहीं धोने चाहिए, इससे तो हाथ भी नहीं धो सकते हैं। बिल्कुल सर, मतलब हमारी कोई दुश्मनी नहीं है डेटोल वालों से, लेकिन हमारी दुश्मनी है आपकी बीमारियों से, कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। डीसी सर कहते हैं स्वस्थ भारत का निर्माण करना है,
क्योंकि भाई आपको बीमारी हो तो हमें भी तो खतरा है ना यार। इस देश के अंदर ऐसा होना चाहिए कि इस देश का नाम आए कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां कोई बीमार नहीं है, क्योंकि एक वक्त होता था जब कोई बीमार नहीं होता था। थैंक यू राधेश्याम जी सॉरी बीच में बोलने के लिए। कोई नहीं सर, और क्या क्या फायदा मिलेगा? आप बाजार से जो सामान लाते हो वो सिर्फ सामान आप यूज कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते। घर पे उसका कोई आप सेल काउंटर नहीं लगा सकते, डिस्प्ले नहीं लगा सकते। लेकिन आरसी बिजनेस का सामान अगर आप खरीदते हैं तो घर पे इसके अपनी दुकान लगा के इसको सेल करने का अवसर भी आपको मिलता है, और आरसी से 30% इनकम भी आप वहां से ले सकते हैं। बाजार का कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। और आरसी बिजनेस के दुकान से सामान लाने का और फायदा ये मिलता है कि आरसी आपको बिजनेस करने का अवसर देती है जो बाजार में कोई नहीं देता है। अब सामान कितना लाना है, अगर देखिए अब आत्माराम जी कई बार कहानी सुनाते हैं कि देश का जिम्मेदार नागरिक कौन है। सिर्फ आधार कार्ड या राशन कार्ड बना लेने से आप भारत के नागरिक नहीं बन जाते। भारत का जिम्मेदार नागरिक वो है जो भारत के संविधान के नियमों का फॉलो करे, और आरसीएम बिजनेस का जिम्मेदार डिस्ट्रीब्यूटर वो है जो आरसीएम के संविधान के नियमों का फॉलो करे, यानी कि वो डायमंड क्लब करे। अगर डायमंड क्लब यानी कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अपने सेल्फ आईडी पर 5,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हैं तो इस तरह की आपको एक पिन मिलेगी। 10,000 करते हैं तो आपको इस तरह की डबल डायमंड क्लब की पिन मिलेगी। 2 से 3 दिन का आरसीएम के मालिक टीसी छाबड़ा जी के साथ रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, वहां पर खाना पीना रुकना सब फ्री रहेगा, और एक शानदार गाला डिनर पार्टी सेलिब्रेशन धमाकेदार जो अभी कल्पना से भी बाहर है। और मैं बात कर रहा था अपनी दुकान की, ये मेरे घर पे एक ऐसा डिस्प्ले कॉर्नर लगा हुआ है सर। ये मेरे घर पे डिस्प्ले कॉर्नर लगाने से ये फायदा हुआ कि मेरे घर से अड़ोसी पड़ोसी जो है ना बीकानेर में, वो सर मेरे यहाँ से सामान ले जाते हैं। और पिछले महीने सर यहाँ से मैंने 22,000 रुपए के प्रोडक्ट रिटेल किया, और मुझे पहले ऐसा लगता था कि मैं कभी पेंसिल भी सेल नहीं कर सकता था, लेकिन ये अपनी दुकान लगाने से ये फायदा हुआ कि 22,000 के आसपास रिटेलिंग सिर्फ यहीं से हो गई। और ये सर मैं फुल स्टॉक रखता हूँ, लगभग 20-25,000 का स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी हमेशा रहता है, और क्योंकि स्टॉक होगा तभी बिकेगा। तो इस तरह से आप अपनी दुकान लगा के अगर मुझे मान लो 22,000 का 30% भी एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ तो 6-7,000 रुपए हमने इसका इस दुकान से ही कमा लिया, जबकि मुझे तो मेरे लेवल के हिसाब से 42-43% पैसा आना है। तो आप सोच कर सकते हैं कि हम कितना पैसा कमा सकते हैं। और क्या करना है, अपने को सामान यूज कर, अपने को आरसीएम ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद सामान यूज करना है, फायदा अपने को अपने मैंने आपको बता दिया। फिर तीसरा काम अपने करना है, लोगों को बताना है। कैसे, देखिए क्यों बताना है, बाजार में कंपनी के क्या क्या काम होते हैं। सोचिए आपने कोई कंपनी शुरू की या बाजार में किसी ने कंपनी शुरू की, आरसीएम ने पार्टनरशिप के साथ आपने कंपनी शुरू की, तो बाजार में कंपनी के साथ क्या क्या काम होते हैं। कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी करती है, प्रोडक्शन कंपनी का काम होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट देखना होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्शन देखना होता है, लीगल मैटर्स देखने होते हैं, अकाउंट्स देखने होते हैं, और मार्केटिंग करनी होती है। किसी भी कंपनी के छोटी हो चाहे बड़ी हो इतने सारे काम करने हैं, और आरसी बिजनेस के साथ आपने पार्टनरशिप किए तो इतने सारे काम आपको भी करने हैं। लेकिन आरसी बिजनेस ने आपको क्या बोला कि ये सारे काम मैं करती हूँ पर मैं मार्केटिंग नहीं करती। आरसी ने आपको बोला कि मैं सारे काम करूंगी पर मार्केटिंग नहीं करूंगी, और मार्केटिंग करने का काम यानी कि लोगों को बताने का काम कंपनी ने अपने को दे दिया। इस तरह से हम लोगों को बताएं तो क्या हो सकता है, हमारी सोच से भी बाहर है। बताने की जब बारी आती है दोस्त तो हर आदमी क्या लगता है कि मैं बता नहीं पाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए दोस्त मुझे ऐसा लगता है कि आप दाता हैं आरसी बिजनेस में। जिस दिन आपने आरसी बिजनेस को ज्वाइन किया आप दाता हैं, किसी को देने जा रहे हैं, किसी से कुछ भी लेने नहीं जा रहे हैं। अगर हम कोरोना में बात करें तो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत सरकार से राहत पैकेज की डिमांड कर रही है, हम कुछ भी डिमांड नहीं कर रहे। हम ना तो सरकार से राहत पैकेज की डिमांड कर रहे हैं, ना सरकार से मोरेटोरियम मांग रहे हैं, जहां ना सरकार से हम टैक्स छूट मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक चीज की मांग कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट चालू कर दो, हम हमारा काम अपने आप कर देंगे। तो हम क्या दाता है, देने वाले हैं, हम किसी से भी लेने वाला नहीं है, ना सरकार से ना लोगों से। जब हम देने वाले हैं तो आरसी बिजनेस का प्लान दिखाने जब जाओ तो देने वाले की तरह जाओ, भीख मांगने की तरह मत जाओ, लेने वाले की तरह मत जाओ। सामने वाला सुने नहीं सुने, समझे नहीं समझे, वो सामने वाले की टेंशन है। आप देने के हिसाब से जाओ, विश्वास के साथ जाओ कि हम दुनिया का नंबर वन काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है दोस्त, कहीं ना कहीं हम सबको अपने मन में ये लगता है कि आरसी में एक छोटा काम है। दोस्त जब तक आपके मन में ये लगता रहेगा ना तो कभी भी बड़ी कामयाबी हमारे जीवन में नहीं आएगी। बड़ी कामयाबी तब आएगी जब आप अपने खुद के अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएंगे, अपने खुद के अंदर ये आत्मविश्वास लाएंगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो दुनिया का नंबर वन काम है और मैं देने वाला काम कर रहा हूँ, तब हम दुनिया में बड़ा काम कर सकते हैं। और इस तरह की सोच के साथ अगर गए
तो हम आरसीएम बिजनेस में दोस्त वो पुराने दिन लद गए कि जब दो दो चार चार पांच पांच दस दस साल लगते थे कामयाबी के लिए, अब आप आरसीएम बिजनेस से 1,00,000 रुपए की इनकम मात्र 100 दिन में ले सकते हैं। 1,00,000 रुपए की इनकम मात्र 100 दिन में घर बैठे बिना कोई एक्स्ट्रा काम किए। क्या काम करना है अपने को, जैसे मान लीजिए ये वीक और ये अपनी टीम अपने आरसीएम बिजनेस में काम शुरू किया, पहले सप्ताह हम एक थे, अपने को क्या करना है, हमारे घर का सारा सामान आरसीएम की दुकान से लेके आना है और घर पे एक प्रोडक्ट डिस्प्ले कॉर्नर बनाना है और रोज एक व्यक्ति को फोन करना है। और फोन आप वैसे रोज दो चार पांच दस लोगों को करते ही करते हो, कोरोना में घर बैठे हो क्या कर रहे हो, फोन ही तो कर रहे हो। और फोन जब करते हो तो पूरी बातचीत करते हो कोरोना की, उस कोरोना की बातचीत के साथ में एक बात आप ऐड कर दीजिए, उससे एक सवाल पूछ लीजिए आप, कौन सा सवाल, कि भैया क्या घर बैठे पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो। अगर वो बोले यस तो तुरंत प्रभाव से उसको जूम या यूट्यूब पे जो भी मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में उसको इन्वाइट कीजिए। अगर वो बोले नो दैट्स इट, बात खत्म होगी। अपने को सिर्फ एक सवाल करना है उसे, जिसको भी आप फोन पे बातचीत करो, देखिए दोस्त 131 करोड़ लोग देश में सामान खाते हैं, 131 करोड़ लोग राशन खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, बातचीत करते हैं, और 131 करोड़ लोग पैसा कमाना चाहते हैं। एक सवाल उनसे पूछिए, क्या घर बैठे बिना इन्वेस्टमेंट के एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो। अगर वो यस बोले तो मीटिंग में लाइए, नो बोले दैट्स इट। आपने रोज एक व्यक्ति से संपर्क किया और पूरे सप्ताह में 7 लोगों से किया, एक व्यक्ति आपके साथ आया, तो पहले सप्ताह आपकी टीम बन जाएगी एक आदमी की। फिर अपने को उस व्यक्ति को क्या करना है, उसको जूम पे लाना है, उसको ट्रेन करना है, बेसिक सिखाना है, जो काम आपने किया, क्या काम किया, घर का सामान यूज किया और रोज एक व्यक्ति से एक सवाल किया, यही काम आप उसको डुप्लीकेट करना है, खुद करना है और लोगों को करना सिखाना है। तो दूसरे सप्ताह अपनी टीम में संख्या हो जाएगी 2 लोगों की, तीसरे सप्ताह संख्या हो जाएगी 4 लोगों की, 5 सप्ताह बाद 4 सप्ताह बाद 8 लोगों की, 5 सप्ताह बाद 16 लोगों की, 6 सप्ताह बाद 32 लोगों की, 7 के बाद 64, 8 के बाद 128, 9 के बाद 256, 10 के बाद 512, 11 के बाद 1024, 12 के बाद 2048, 13 सप्ताह बाद 4096 और 14 सप्ताह बाद 8192। आप सोचिए पूरे सप्ताह 7 दिन 7 लोगों से संपर्क किया, रोज एक, क्या बातचीत की, क्या एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो, 7 में से 6 ने मना किया, 1 ने हाँ की, तो 14 सप्ताह यानी 100 दिन बाद अपनी जो टीम बनती है 8192 लोगों की बनती है और आपका नेटवर्क का साइज ऐसा हो जाएगा, इतना बड़ा नेटवर्क। और इतने बड़े नेटवर्क में 8192 लोगों ने मात्र 2,000 रुपए का सामान भी खरीदा। हेलो, 8192 लोगों ने 2,000 रुपए का सामान भी खरीदा तो आपकी बिक्री होगी 1,63,84,000 रुपए की, और उसकी 1% भी इनकम आई तब भी 1,63,000 रुपए के समथिंग इनकम आप एक महीने के ले सकते हैं, ओनली एक सवाल अपने बातचीत में ऐड करने से। एक सवाल सोचिए दोस्त, आपको लगता है कुछ झिझक है, झंझट है, वो मीटिंगों से दूर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। 131 करोड़ लोग सामान खरीदते हैं, 131 करोड़ लोग बातचीत करते हैं, 131 करोड़ लोग पैसा कमाना चाहते हैं, हमें उनका बातचीत करने का, सामान खरीदने का मोड चेंज करना है। अगर उसकी किस्मत में होगा तो वो करेगा, किस्मत में नहीं होगा तो वो नहीं करेगा, पर समस्या यह है कि हम बताते नहीं है। और मैं गारंटी से कहता हूं दोस्त, और आत्माराम जी कई बार बोलते हैं, आरसीएम का वो मार्केटिंग प्लान है 100% काम करता है। अगर आपने प्लान दिखाया तो 7 में से 1 का ऐसा हो ही नहीं सकता, 7 में से 7 आएंगे अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ बताया तो। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा था दोस्त, तो लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। एक लड़का था, उसके पिताजी पेन बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी थी उनके पिताजी की। उस लड़के को आइसक्रीम खाने का बहुत शौक था, वो रोज $100 की आइसक्रीम खाता था। उसके पिताजी को लगे इस तरह से आइसक्रीम खाता रहा तो उसकी बॉडी को बहुत नुकसान होगा, तो उन्होंने उसको समझाने के लिए क्या किया, उसको बोला कि ये 10 पेन है, तुझे 10 पेन बेचने हैं, 10 पेन बेचने हैं, उसके बदले में तुम्हें $100 दूंगा, अब तुम्हें पेन बेच के आइसक्रीम खानी है। वो बच्चा बाहर गया पेन बेचने के लिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन प्रयास किया, पेन नहीं बिका, वो निराश हो गया। वो आके अपने पापा को बोलता है कि पापा अब मैं पेन नहीं बेच पाऊंगा, मुझे लगता है कि मैं मेरे जीवन में अब मुझे पूरी जिंदगी बिना आइसक्रीम खाए ही बितानी पड़ेगी। उसके पापा समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने उससे कहा कि बेटा चिंता मत कर, अब तुझे क्या करना है, बेचना नहीं है,
अब तुझे रोज 10 लोगों का दरवाजा खटखटा के इस पेन के बारे में लोगों को बताना है, तब भी मैं तुम्हें रोज $100 दूंगा। तो अब की बार जब वो लड़का गया तो 10 लोगों को उसने पेन के बारे में बताया तो 6 पेन बेच के आया। क्यों बेच के आया दोस्त? पिछली बार उसका डर था कि बेच नहीं पाया तो मैं आइसक्रीम नहीं खा पाऊंगा, अब की बार उसका वो डर खत्म हो गया कि मैं बेच नहीं पाऊंगा तब भी कुछ नहीं होगा। आप अपने भीतर का वो डर खत्म कर दीजिए कि मैं ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा या लोग नहीं हुए तो। लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। अगर आप 7 लोगों का प्लान दिखाएंगे, 1 व्यक्ति आपके साथ जरूर आएगा। पर वो डर खत्म करके जिस प्रकार से उस लड़के ने दरवाजे खटखटाने शुरू किए, उसी प्रकार से आप घर बैठ के फोन की घंटी बजाना शुरू करो, एक सवाल पूछना शुरू करो। ये एक सवाल हम सबकी जिंदगी बदल सकता है। और ये अगर काम हम करते हैं तो जे पॉल गेटी का सिद्धांत नंबर 3 हमारी पालना हो जाएगी, हमारा बिजनेस बहुआयामी हो जाएगा। आज मैं आरसीएम बिजनेस में काम करता हूँ, मेरी टीम हिंदुस्तान के 19 स्टेट में है, इसलिए आज हम सिक्योर हैं, हम सेफ हैं, हमारी इनकम अलग अलग जगहों से आती है, बहुत सारे हजारों की संख्या में टीम में लोग हैं जिससे हमारा ये बिजनेस चलता है। तो आपका बिजनेस बहुआयामी हो जाएगा। जय पॉल गेटी का सिद्धांत नंबर 3 की पालना हो गई, और जय पॉल गेटी का सिद्धांतों की पालना करके ही टाटा टाटा बना है, रिलायंस रिलायंस बना है, और हम बनेंगे। अगला क्या काम करना है? अपने को सीखना है, यानी मीटिंग अटेंड करनी है और लोगों को करवानी है। जब मीटिंग की बात आती है तो लोग क्या बोलते थे? समय नहीं है, हमारे यहाँ मीटिंग होती नहीं है, कोई बोलता कि अपलाइन मीटिंग देता ही नहीं है, कोई बोलता था मीटिंग में जाने का किराया नहीं, आदि आदि आदि। इसकी समाधान लेके आया कोरोना काल, और कोरोना में जितनी मीटिंग हो रही है सब ऑनलाइन घर बैठे आपके मोबाइल पे हो रही है। अभी हम बात कर रहे हैं जूम मीटिंग पे, आरसीएम के यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पर बहुत शानदार मीटिंग, और इसका शेड्यूल बदल गया है। शेड्यूल आपको आत्माराम जी भेजेंगे, शेड्यूल के हिसाब से बातचीत मीटिंग की तैयारी करें। और आपके आरसीएम की मोबाइल एप्लीकेशन पर एक ऑप्शन है डीप कोर्स, डायरेक्ट सेलर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम। उस कोर्स में जितनी बातें बताई गई अपने जीवन में उतार लीजिए, इस मीटिंगों में जितनी बातें बताई गई जीवन में उतार लीजिए। अब सब कुछ घर पे हो रहा है, मोबाइल पे हो रहा है, तो इससे आसान दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। और ये काम हमने किया तो जे पॉल गेटी का सिद्धांत नंबर 4 ये काम हो जाएगा बताने योग्य। हम बताने योग्य वाला काम करते हैं तभी तो इतनी मीटिंगें कर रहे हैं। तो इन 4 सिद्धांतों को पालन करके टाटा बन सकता है, टाटा टाटा बन सकता है, तो हम बन सकते हैं इन 4 सिद्धांतों की पालना करके। इसके साथ में आरसी बिजनेस में एक मुख्य काम आपको और करना है, वो जे पॉल गेटी के सिद्धांतों में नहीं था। वो मुख्य काम यह है कि आपको इस बिजनेस में अपलाइन या मेंटर का कहां मानना है। इस बिजनेस में बहुत बड़ी समस्या यह है कि जैसे जैसे आदमी ऊपर उठता जाता है उसको ये लगता है कि मैं अपलाइन से ज्यादा समझदार हूं। दोस्त, आप अपनी अपलाइन से समझदार कभी हो ही नहीं सकते। अगर पीछे वाले 4 सिद्धांतों में थोड़े बहुत आगे पीछे भी हो गए और इस सिद्धांत में मास्टरी हासिल कर ली, तब भी आप दुनिया के रिचेस्ट लोगों में पहुंच जाएंगे। ये एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा, ये महाभारत की एक स्टोरी है। आप देखिए दुर्योधन है, ये गांधारी है, पीछे भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ तो दुर्योधन ने माता गांधारी से कई बार बोला कि मुझे आप विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए, विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए, पर माता गांधारी ने उसको कभी विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया। और उसको हर बार ये बात बोला कि तुम भी मेरे पुत्र हो और पांडु पुत्र भी मेरे ही पुत्र हैं, तो मैं किसी एक को विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दे सकती। लेकिन जब कौरवों के 99 पुत्र इसके 99 भाई मारे गए, दुर्योधन के और माता गांधारी के 99 पुत्र मारे गए, तो इसका मन विचलित हो गया और इसने दुर्योधन को बोला कि मैंने अब तक जो भगवान शंकर की जो पूजा की है, उनकी जो प्रतिष्ठा, जो भी आप बोलें कि उनकी जो पूजा अर्चना की है, उससे जो सिद्धि मेरे को प्राप्त हुई है वो सारी शक्तियां मैं तेरे अंदर ट्रांसफर कर दूंगी। मैं तुझे विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं देती, पर तुझे कोई मार नहीं पाएगा, अपनी किसी भी अस्त्र शस्त्र से मार नहीं पाएगा, पर शर्त यह है कि तुम्हें मेरे सामने बिल्कुल वैसा आना है जैसे तुम पैदा हुए थे, यानी शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने वैसा ही किया और सारे कपड़े उतार के माता गांधारी के सामने जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण बीच में मिल गए और भगवान श्री कृष्ण ने उसको बोला कि अपने माता के सामने ऐसे जाओगे तुम्हें शर्म नहीं आएगी। तो उसको लगा यार बात तो सही है, उसने क्या किया कि पत्तों का एक बॉक्सर बना लिया और बॉक्सर पहन लिया और माता गांधारी के सामने चला गया। माता गांधारी ने जब भी जैसे ही वो आंखों के ऊपर से पट्टी उतारी और पूरी शक्तियां जब दुर्योधन के अंदर ट्रांसफर की, तो वो हिस्सा उसका खाली रह गया जहां पर उसने बॉक्सर टाइप का वो पत्तों का पेन रखा था। और माता गांधारी ने उसको बोला अरे मूर्ख, ये तुमने क्या कर दिया, अगर तुम मेरी बात को 100% फॉलो करते तो तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाता, तुम्हारा ये हिस्सा अब कमर के नीचे किसा कमजोर रह गया है। और इतिहास गवाह है, भीम ने दुर्योधन को इसी जगह पर गदा से मार के महाभारत जीता था। अगर ये दुर्योधन
अपनी अपलाइन अपनी मेंटर यानी कि माता गांधारी की बात को मान लेता तो महाभारत का जो परिणाम है वो कुछ और होता। इसने बीच में वो कहता है ना चंपालाल, श्री कृष्ण जी को हम इसमें चंपालाल ही बोलेंगे, बीच वाले चंपालालों की बातचीत अगर इसने नहीं मानी होती तो रिजल्ट कुछ और होता। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, जब इस बिजनेस को आप शुरू करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपका मार्ग भटकाएंगे। कई बार आपके दिमाग में से सवाल आएगा कि मैं अपलाइन से ज्यादा समझदार हूँ, अपलाइन ये है वो है, दो जो भी है दोस्त, आप इस बिजनेस में अपलाइन के साथ ही कामयाब हो सकते हैं। जिंदगी में इस बिजनेस में बिना अपलाइन के कामयाबी संभव ही नहीं है। तो इस बिजनेस में बड़ी सफलता के लिए अपनी अपलाइन का 100% फॉलो अपने को करना है तो हम जिंदगी में आरसी बिजनेस में बड़ी सक्सेस पे पहुंच जाएंगे। मैंने मेरी जो अपलाइन है मिस्टर मनोज जी बजाज, जनरल कुकना जी, मिस्टर महावीर जी सारण, राजा राम जी सारण मेरे मेंटर हैं, आत्माराम जी, सुरेंद्र भट्ट साहब, मुकेश कोठारी साहब, बीसी चावड़ा जी, इन सब की बातों को मैंने 100% फॉलो किया और इसका रिजल्ट ये है कि आज मेरी 29 साल की उम्र है और आरसीएम से जो मेरे को हाईएस्ट इनकम आई है वो 1 महीने की 2 लाख रुपए आई है। इस 2 लाख रुपए की इनकम का एक ही रीजन है, मैं मेरी अपलाइन और मैं मेरे मेंटर का मैं 100% फॉलो करता हूँ। तो पैसों के साथ साथ मुझे मान सम्मान मिला। अब देखिए टीसी चावड़ा जी के द्वारा, बीसी सर के द्वारा, सानिया मिर्जा जी के द्वारा, अमिताभ बच्चन साहब के द्वारा इस तरह से मान सम्मान मिला, गाड़ियां भी खरीदी, जैसे आत्माराम जी का एक भी नई गाड़ी और लेके आ रहे हैं, हमें पूरी दुनिया में घूमने फिरने का मौका मिला और आत्माराम जी के साथ भी बहुत सारी जगह पर हमने घूमने का मौका मिला। और इसके साथ साथ हमें वो ड्रीम लाइफ मिली जो लोगों की एक ड्रीम होता है, कैसी, पैसों की आजादी। आज हम खर्च करने के लिए जाते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि ये शर्ट कितने का है, ये गाड़ी कितने की है, तो पैसों की आजादी मिली। कोरोना काल में हमें बहुत सारे दान भी किए, लोगों को दिया भी, तो पैसों की आजादी मिली। पैसों की आजादी के साथ साथ सबसे बड़ी हमारे पास समय की आजादी है, हम जहां चाहते हैं वहां घूमने के लिए चले जाते हैं। पैसों की आजादी के साथ साथ हमें परिवार की सुरक्षा मिली। आज मेरी उम्र 29 साल है, मेरी उम्र मेरी इनकम जो है वो 2 लाख रुपए की है। भगवान ना करे अगर मैं दुनिया में ना भी रहूं तो मेरा 8 साल का बेटा है, उसकी इनकम आज भी 2 लाख रुपए है। ये परिवार की सुरक्षा आरसी बिजनेस ने दी। इस तरह से प्यार में मान सम्मान मिला आरसी बिजनेस से, इस तरह से कामयाब लोगों का सर्कल मिला, और सबसे बड़ी बात आज हम खुद अपने बॉस हैं। हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं है जो ये बोले कि आपको 5 बजे उठना है, 10 बजे जाना है, 7 बजे आना है, इधर करना है। अपने अपने ऊपर कोई बॉस नहीं है कि अभी कोरोना में ड्यूटी देनी है, हॉस्पिटल कुछ भी अपने पास नहीं है। हम अपनी जिंदगी के खुद अपने बॉस हैं। ऐसी लाइफ अगर आप पाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको जयपुर गिट्टी के सिद्धांतों को फॉलो करना है, अपलाइन का काम मानना है। कुछ और सीनियर साथी जिन्होंने जयपुर गिट्टी के सिद्धांतों को फॉलो किया और आरसी बिजनेस के वो सफलतम लोगों में से एक है, हम सबके ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजाराम जी सारण है, मिस्टर महावीर जी सारण। आज इनकी मंथली इनकम जो है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा फैमिली की इनकम है। ये मिस्टर मुकेश जी कोठारी करोड़ों रुपए की इनकम ही लेते हैं, 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के एसेट्स बना चुके हैं। सारे इनके रिसोर्सेज से इनकम मिला ली जाए तो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकी इनकम है। इन्होंने खुद अपनी एक ट्रैवल एजेंसी भी खोली है जहां पर इनके पास अभी फ्लाइट से यात्राएं कराएंगे ये लोगों को। और ये हम सबके गुरु हमारे मेंटर मिस्टर आत्माराम जी कसवा, ये दूध बेचने से लेकर रूबी तक का सफर, दूध बेचने वाला आदमी अगर आरसी बिजनेस से 3 लाख रुपए कमा सकता है तो पराशर जी आप इसके आगे 1-2 जीरो और लगा सकते हैं। यस, ये मिस्टर सुरेंद्र भट्ट साहब केबल नेटवर्क का काम करते थे, आरसी बिजनेस से आप 25 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर मंथ की लेते हैं। इनका ये चैनल है चैट पे सुरेंद्र भट्ट, यहाँ पे जाके आप इनको देख सकते हैं। ये मिस्टर सतीश जी पंडित आरसी में परिवार की सुरक्षा का एक लेजेंड, एक एग्जांपल, सतीश मंडी साहब वो एक लेजेंड हुए आरसी बिजनेस के अंदर। और ऐसा कहा जाता है अगर ये दुनिया में होते तो आज आरसीएम की सबसे बड़ी पिन इनके पास होती। इनकी बहुत सारी टेप आती है यूट्यूब पर। और मेरा ऐसा मानना है सर, अगर आपको आरसी बिजनेस की सही नॉलेज चाहिए तो जैसे बीसी सर बोलते हैं ना, यूट्यूब के ज्ञान के बोझ तले दबिए मत। यूट्यूब पे एक इनाम डालिए सतीश पंडित, इन्होंने जो टेप बनाई है उन टेप में जो बातें बताई गई है वो आप फॉलो कर लीजिए। आप दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान इनके पास था नेटवर्क मार्केटिंग का, आरसी बिजनेस का जो ज्ञान इनके पास था प्रैक्टिकल, वो दुनिया में ना आपको दीपक बजाज दे सकता है, ना हर्षवर्धन जैन दे सकता है, ना विवेक बिंद्रा दे सकता है, ना सोनू शर्मा दे सकता है। बीसी सर बोलते हैं उनको सुनोगे तो खुजली मिटेगी, जीवन में कामयाबी कभी नहीं आएगी। तो खुजली मिटनी है तो उनको सुनो, कामयाबी पाना है तो यूट्यूब पे नाम डालो सतीश पंडित, और इनकी इनकी जितनी टेप है वो आप सुनिए। और मेरी कामयाबी में इनकी टेप्स का बहुत बड़ा रोल है। जब ये दुनिया से गए थे तब इनकी इनकम 1,70,000 रुपए थी, आज इनकी वाइफ के नाम से 3 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम आती है। ये है मिस्टर ओपी शर्मा जी आरसी में, आज 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 इन सबको आप देखते हैं, सिक्योर्ड इनकम की मिसाल है। इनके पापा मिस्टर ओपी शर्मा जी ने बिजनेस को शुरू किया आज से 20 साल पहले,
2014 में ये दुनिया से चले गए। अभी मुकेश कोठारी सर का एक वीडियो आया, उसमें बोलते हैं कि रवि शर्मा जी की जो हाईएस्ट इनकम आई है ओपी शर्मा जी के जाने के बाद वो 56 लाख रुपए, हेलो 56 लाख पर मंथ 32 साल का लड़का, और ये 4 करोड़ की गाड़ी से चलता है। हेलो, जो रवि शर्मा के साथ हो सकता है वो अपने बच्चों के साथ भी हो सकता है। जो काम ओपी शर्मा ने किया वो आप करना शुरू कर दीजिए। क्या किया शर्मा जी ने? आरसीएम को ज्वाइन किया, 100% सामान का इस्तेमाल किया, लोगों को बताया और मीटिंग में गए और आरसीएम के सिस्टम को 100% फॉलो किया। इसलिए आज इनका बेटा स्टेज पे आके बोलता है कि मानव जीवन भाग्य से मिलता है और आरसीएम सौभाग्य से मिलता है, ये हमारे साथ भी हो सकता है। और देखिये दोस्त, ये मेरी टीम के कुछ कामयाब पिलर्स लोग हैं जिन्होंने आज से 7 साल पहले मेरे साथ काम करना शुरू किया। इनकी स्टोरी से आप रिलेट कीजिए। ये मिस्टर रूपराम रिवाड़िया, इनके पिताजी एक दुकान के बाहर थड़े पे मशीन कपड़े सिलने का काम करते थे दुकान के बाहर। ये मिस्टर राहुल कांबले बैंक में जॉब करता था, आज आरसीएम एमराल्ड अचीवर। मिस्टर रामदयाल कस्मा गाँव का एकदम ठोट किसान जिसको कुछ भी नहीं आता, लेकिन आरसीएम एमराल्ड है, सिर्फ आरसीएम के सिस्टम को फॉलो करता है। ये हरपाल सिंह जी बैंक में जॉब करते थे, मनोज मौर्य जी बड़े बिजनेसमैन है, ओम प्रकाश जी ये सरकार के फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी, विनीत सर रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी है, विकास सर ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के बहुत बड़े अधिकारी है, शिव नारायण जी सर। अब विजन देखिए व्यक्ति का, 5 लाख रुपए की जॉब करते थे मर्चेंट नेवी के अंदर, आरसीएम के प्लान को देखा, आत्माराम जी के साथ काउंसलिंग की और एक ही बार में 5 लाख रुपए की जॉब छोड़ के फुल टाइम आरसीएम बिजनेस में लग गए। और आज स्टार पर्ल पिन अचीवरी है, वरुण कुमार जी ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में कलर के, ये क्या नाम है साहू जी ये रियल एस्टेट का काम करते हैं, रामेश्वर जी टीचर हैं, ये दत्ता जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, दीपांकर भाई इनके साथ पार्टनर हैं, भागीरथ जी किसान हैं, ये रामेश्वर जी बिजनेसमैन हैं, कुलवीर जी जयन हैं, ये बग्गूराम जी आत्माराम जी के गाँव से ही है, ये ईंट भट्टे के ऊपर चारा डालने का काम करते थे, आज आरसीएम से 70-75 हजार रुपए की फोटो देखिए आप इनकी, क्या ईंट भट्टे पे वाला आदमी कभी ऐसे सुटेड बुटेड हो सकता है, ये लाइफस्टाइल दे सकता है। हर भगवान जी जीतू भाई बिजनेसमैन है, ये विनोद कुमार जी आईटीसी कंपनी के अंदर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हेड है, और अभी हमारी टीम के अंदर ये स्टार पॉल पिन अचीवर है, ये मिस्टर राणे साहब ये भी बड़े अधिकारी हैं जलगांव महाराष्ट्र के अंदर। ये मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैंने आरसीएम बिजनेस में 7 साल पहले एज ए करियर अपलाइन और मेंटर की बातचीत को फॉलो करते हुए काम करना शुरू किया, और आज मेरी टीम में तकरीबन 25-26 टेक्निकल अचीवर है। विजन देखिए आप, एक आदमी आरसी बिजनेस में प्रयास करे और 7 सालों में 25-26 मान लो 25 टेक्निकल अचीवर बना सकता है, इसका मतलब ये 25 लोग अगले 7 सालों में ये 25-25 टेक्निकल अचीवर बनाने वाले हैं। हेलो, एक आदमी 25 टेक्निकल अचीवर 7 साल में बनाए और 25 के 25 आगे 25-25 बनाएंगे, तो आप सोच के देखिए आने वाले 7 साल बाद हमारी कामयाबी का मंजर क्या हो सकता है और हमारी इनकम कहां तक पहुंच सकती है। आप सोचिए, हिम्मत कीजिए, सपना लीजिए, डेयर कीजिए, आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, ये सब अपनी लाइफ के गेम चेंजर हैं, आप भी अपनी लाइफ को गेम चेंज कर सकते हैं। और ये गेम चेंज करने के लिए कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है, अपने कुछ आदतें बदलनी है। क्या? सबसे पहले दुकान बदलनी है, जो बाजार से सामान लाते थे वो सामान 100% आरसीएम की दुकान से लाना है। दूसरा, अपने को बातें बदलनी है, इन्होंने सबकी ने अपनी बातें बदली है। पहले जब हम कोरोना की, क्रिकेट की, राजनीति की बात करते थे, साथ में एक क्वेश्चन आरसीएम की बातचीत करना शुरू कर दो। तीसरा, खुद मीटिंग अटेंड करो, लोगों को मीटिंग मिलाओ। और चौथा, अपलाइन और मेंटर का जो वो कहे वो बात मानो। ये 4 आदतें अगर आप बदल लेते हैं तो आप भी अपनी लाइफ का गेम चेंज कर सकते हैं, और लाइफ का गेम चेंज करना अभी जरूरी है दोस्त। क्यों जरूरी है? ये बाजार में ये पोजिशन, अभी नौकरियों के लाले पड़ रहे हैं, गरीबी 40 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है, 2 सप्ताह में कोरोना में 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 52% लोगों की नौकरियां जाने वाली है, लॉकडाउन में 10 करोड़ लोग और गरीब हो जाएंगे। और जिस कारोबार से मैं रिलेट करता हूं, फर्नीचर कारोबार की बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टशिप में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत काम आएगा। रिलायंस जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों का 50% रिलायंस जैसी कंपनियां 50% वेतन काट चुकी है, और उनको अब सालाना जो फेस्टिवल बोनस मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। और ये अभी से नहीं चल रहा है, ये पहले से ही चल रहा है। पहले भी देखिए, 707 पोस्ट पर 7.5 लाख दावेदार MBA MCA वाले मोची माली धोबी बनने की रेस में, आज से नहीं चल रहा है, कोरोना तो एक बहाना है। एक्चुअल में आत्माराम जी भी कई बार बोलते हैं, नौकरियों को कोरोना खत्म नहीं करेगी, कोरोना ने तो सारी कंपनियों को एक बहाना और दे दिया, मजबूत कर दिया उनके बहानों को। नौकरियों को खत्म करेगी टेक्नोलॉजी,
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे नौकरियां खत्म होगी। और कोरोना ने तो कंपनियों के लिए और आसान कर दिया छंटनी करना, कंपनी वाले तो चाहते ही थे कि ऐसा कुछ आए, राइट। और देखिए चपरासी के पद पर 93,000 आवेदन, उसमें से 3,740 पीएचडी वाले देश में चपरासी बनने को तैयार हैं, एमबीए एमएससी वासे डिलीवरी बॉय बनने की कतार में लगे हुए इंडिया में। और कोरोना ने दोस्त हम सबको समझा दिया सिखा दिया, और सरकार ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, ये जो संकट का समय चल रहा है इससे हमें ही निकलना है, हमें अपनी जान भी बचानी है, हमें अपनी जान भी बचानी है, सरकार के भरोसे नहीं रहना है। सरकार क्या क्या काम करेगी, रेलवे को संभालेगी, लोगों को संभालेगी, बैंकों को संभालेगी, क्या क्या काम करे सरकार, हम अनजान नहीं है परिस्थितियों से, हमें ही सब कुछ संभालना है। और इस संकट के अवसर में दोस्त आरसीएम बिजनेस आपके पास एक अपॉर्चुनिटी की तरह आया है, एक अवसर की तरह आया है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो उस अवसर को तुरंत प्रभाव से पकड़ लेता है, आप इस अवसर को पकड़ लीजिए दोस्त। सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा, बाजार के सारे डिपार्टमेंट ये बोल रहे हैं कि अब नेटवर्किंग का जमाना होगा, जहां पर एक तरफ नौकरियां जाने की बातचीत कर रही हैं, दूसरी तरफ आरसीएम बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में रोजगार सृजन में अहम होगी ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, ये न्यूज आ रही है। नीति आयोग भारत का ये बोल रहा है कि अब अगर देश को बचाना है, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना है, तो डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है। इस न्यूज के बाद अनुराग ठाकुर साहब का एक वीडियो भी है, आपने देखा होगा, इस बिजनेस पर मंदी का भी कोई असर नहीं होता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा काम करेगा। अगर आप महिलाएं हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में पूरी दुनिया में 53% महिलाएं इस बिजनेस में सक्सेस है, और ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 तक 2 करोड़ लोगों को कामयाब करेगा ये डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र। और जिस इंडस्ट्री की हम बातचीत कर रहे हैं आज की कोई इंडस्ट्री नहीं है, ये 65 से 65 सालों से चल रही दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और इसका डाटा है, आप अमेरिका को देखिए, 32 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन और 2 लाख करोड़ से ज्यादा का उनका डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर होता है। हेलो, 32 करोड़ लोगों में, अब आप भारत में आइए, हम 132 करोड़ है और हम टर्नओवर 7000 करोड़ का करते हैं। और देखिए दोस्त, दुनिया में ये प्रूवन है, जो चीज अमेरिका में हुई है वो भारत में जरूर होगी। हाँ, समय लग सकता है, क्योंकि वहां पर एटीएम कार्ड 1956 में आया, इंडिया में 1998 में आया, हमें 40 साल लगे ये समझने में, 40 साल कि एटीएम से पैसा कैसे बाहर आता है, 40 साल लगे, लेकिन आज वो सिस्टम भारत में आया। अमेरिका में ये डायरेक्ट सेलिंग 70 सालों से चल रही है, 1996 में ये भारत आया। तो जिस प्रकार से 40 साल एटीएम कार्ड को समझने में लगे, उस प्रकार से अब 40 साल डायरेक्ट सेलिंग को भी समझने में लगेंगे। जिस दिन 1996 से लेकर 40 साल अगर आगे जोड़ो तो 2036 तक, जिस प्रकार से आज एटीएम आपकी बेसिक नीड है, उसी प्रकार से 2036 में डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम आपकी बेसिक नीड बन जाएगी। जिस प्रकार से आप एटीएम कार्ड के बिना अपना जीवन नहीं चला सकते, उसी प्रकार से आप आने वाले समय में आरसीएम के बिना जीवन नहीं चला सकते। बड़े बड़े लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, ये बिल गेट्स बोल रहा है कि मुझे अगर जिंदगी दोबारा शुरू करनी पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग करना पसंद करूंगा। आप सोचिए कौन है ये, ये गली का चंपालाल नहीं है, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी का ये विचार है। और देखिए ट्रंप ने कहा कि अब डायरेक्ट सेलिंग का ही दौर आने वाला है, और देखिए हमारे अब्दुल कलाम साहब बोलते हैं कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस होने जा रहा है। अब दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री ने तो इतनी सारी किताबें डायरेक्ट सेलिंग पर लिख दी, और ये कहते हैं कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा कारोबार होने वाला है। और हमारे देश के अखबार बोलने लग गए हैं कि 2025 तक ये जो इंडस्ट्री है वो 64,000 करोड़ की होने वाली है। अभी हमारी जो इंडस्ट्री है वो 7,000 करोड़ की है, उसमें से 1700 करोड़ आरसीएम करती है, यानी कि आरसीएम का डायरेक्ट सेलिंग में जो पार्टिसिपेट है वो तकरीबन 30 से 35% का है। और 2025 में सरकार ये बोल रही है कि इसका टर्नओवर 64,000 करोड़ का होगा, उसका 30 से 35% आरसीएम की हिस्सेदारी रही, तो 2025 में आरसीएम का टर्नओवर 25,000 करोड़ का होगा, इतने ही प्रोडक्ट इतने ही लोगों से 25,000 करोड़ का। और 25,000 करोड़ का आरसीएम का नियम है 45 करोड़ वापस बांटना, 45%, तो 12,000 करोड़ रुपए लोगों में वापस बांटेंगे। जब 1700 करोड़ के टर्नओवर में ये हुजूम है तो 12,000 करोड़ में क्या होने वाला है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए दोस्त, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, आज भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग पर गाइडलाइन जारी करके ये प्रूवन दे दिया कि अब चिट फंड कंपनियां अलग होती है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अलग होती है। जैसे ये गाइडलाइन जारी हुई, अखबार इस तरह की बातें लिखने लगे कि आरसीएम ने बचाई नेटवर्क की लाज, आरसीएम आज लीडिंग देश की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, फिक्की द्वारा इस तरह की मीटिंग आयोजित की जाती है। जैसे ही कानून आया, अब विद्यालयों में डायरेक्ट सेलिंग क्लासेस शुरू होगी। मुझे एक बात याद आ रही है, मुकेश कोठारी साहब मुंबई में सेमिनार में बोलते थे कि जिसने भी आरसीएम का नाम सुन लिया है उसको आना पड़ेगा, वो आएगा तो ठीक, नहीं तो उसके बच्चों को आना पड़ेगा।
आपने किसी को आरसीएम का प्लान बताया, वो आपसे नहीं समझा, तो उसके बच्चा जब स्कूल में जाएंगे तब सरकार उसको आरसीएम बताएगी, तो वो आरसीएम नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। तो आरसीएम में आना तब कंपलसरी हो गया, क्योंकि अब आरसीएम स्कूल में पढ़ाया जाने वाला है। इस तरह की बड़ी बड़ी फिक्की की मीटिंगों में टीसी छाबड़ा जी एज ए गेस्ट बुलाए जाने लगे हैं। और अब भारत सरकार, हम जैसे लोगों को स्किल इंडिया के माध्यम से भारत सरकार अपने सर्टिफिकेट के ऊपर आरसीएम का लोगो लगा के हमें बांटने लगी है, तो आप इसका फ्यूचर दे सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा दोस्त, 70 साल पहले देश में जब फिल्म इंडस्ट्री आई थी, तो ना तो अच्छे घर के लोग फिल्में देखने जाते थे और ना ही अच्छे घर के लोग फिल्मों में काम करते थे। अगर कोई चोरी छुपके फिल्में काम तो छोड़ो, देखने भी चला जाता था ना, वापिस आने के बाद उसकी इतनी पिटाई होती थी कि वो 10 दिन घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उस समय लोग उनको नौटंकी वाला समझते थे। लेकिन जिस समय लोग उनको नौटंकी वाला समझते थे, तब कुछ लोगों ने उसमें काम किया, अपना जीवन बनाया, और आज 70 साल बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री देश में बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है, सरकार के बहुत बड़े अवार्ड रिवार्ड इस इंडस्ट्री को मिलते हैं। और आज हर बाप ये चाहता है कि मेरी बेटी ऐश्वर्या राय बन जाए, और हर बच्चे पापा को बोलते हैं कि पापा दबंग आई है, चलो देखने चलते हैं, राइट। 30 साल पहले स्पोर्ट्स के अंदर लोग छुप छुप के खेलने जाते थे, दीवार फांद के जाते थे, लेकिन आज हर बाप चाहता है कि मेरे बेटा सचिन तेंदुलकर बन जाए। आज हो सकता है कि आरसी बिजनेस जो यूथ काम कर रहा है, हो सकता है घर वालों से छुप छुप के करना पड़ रहा हो, जो बड़े लोग काम कर रहे हैं हो सकता है उनको लोग मजाक उड़ाते हो, लेकिन दोस्त आने वाले 5 से 10 साल में जिस प्रकार से बॉलीवुड इंडस्ट्री ने इस देश के अंदर परचम फहराया, स्पोर्ट्स ने फहराया, आने वाले 5 से 10 साल में हमारी इंडस्ट्री भी देश में परचम फहराने वाली है, और हम इंडिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में आने वाले हैं। इसका विजन देख सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं। जिस सेक्टर में आरसीएम काम करती है, जो प्रोडक्ट रेंज हमारे पास में है, उसके इंडिया में 46 लाख करोड़ का कारोबार होता है, उसका एक परसेंट भी आरसीएम ने कवर कर लिया। अभी आत्माराम जी आपको याद होगा, अभी टीसी छाबड़ा जी ने एनिवर्सरी के अंदर ये जब दिखाया था, तो मीडिया और उसका टीसी सर ने बोला था कि इसका 1% भी आरसीएम कर ले तब भी हम बहुत बड़ा कवर कर सकते हैं, लेकिन मीडिया वालों ने उसको ऐसे पकड़ा कि आरसीएम ने 46 लाख करोड़ का टारगेट लिया है। तो दूसरे दिन वो ट्रेनिंग के अंदर टीसी सर ने कहा था कि कुछ कमिटमेंट मेरे विचारों में अंदर उतर जाते हैं, तब ये 46 लाख करोड़ का मुझे नहीं पता मीडिया वालों ने कैसे लिया, पर ये कमिटमेंट मेरे अंदर उतर गया और मैं आज से ही इस पे काम पे लग जाऊंगा। जब 46 लाख करोड़ का ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि ये सेफ का सर्वर लगाना कहीं ना कहीं उसी प्लानिंग का हिस्सा है कि कंपनी अब चाहती है कि अब छोटे मोटे पटाखे नहीं फोड़ने, अब दुनिया में बम फोड़ने हैं डायरेक्ट सेलिंग में। इतना बड़ा विजन है, इतना बड़ा फ्यूचर है। और देखिए दोस्त, लास्ट में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, जब आप शुरुआत करते हैं तब आपकी शुरुआत हमेशा ऐसे ही होती है। ये अमिताभ बच्चन साहब ने शुरुआत की तभी ऐसे थे, आज इस इंडस्ट्री के लीजेंड है। हमने भी जब शुरुआत की हम ऐसे थे, आज हम एक बहुत सक्सेसफुल इंसान माने जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में आरसी बिजनेस के थ्रू। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप भी ये कर सकते हैं, अगर आप सोच सकते हैं आप तो आप ये कर सकते हैं। इतनी सारी बातचीत के बाद अगर आपको लगता है कि हालात ठीक हो जाएंगे तब हम करेंगे, तो केसी सर बोलते हैं कि जो लोग हालात का इंतजार कर रहे हैं उनको हो सकता है बाद में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो अभी के समय में काम की शुरुआत कर देंगे वो सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मैं एक स्टोरी के साथ मैं मेरी बात को खत्म करूंगा दोस्त। एक बार समुद्र के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे, इतने में समुद्र की लहर आई और उन बच्चों की चप्पलें ले गई साथ में, तो उन बच्चों ने समुद्र के किनारे लिखा कि समुद्र चोर है। मेरी बात को ध्यान से सुना, स्टोरी बहुत काम की है। उन बच्चों ने लिखा समुद्र के किनारे अपने हाथ से कि समुद्र चोर है। कुछ देर बाद कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ के लेके आए, वो जब समुद्र से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने समुद्र के किनारे लिखा कि समुद्र दाता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये चोर है, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि समुद्र हमारा दाता है। एक समय कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ फैमिली वहां पर टहल रही थी, इतने में एक लहर आई, एक बच्चे को साथ में ले गई और वो बच्चा मर गया। तो उस मां ने समुद्र के किनारे लिखा कि समुद्र जान लेने वाला है, जिंदगियां लेने वाला है, मारने वाला है। इतने में एक व्यक्ति खिलौने बेच रहा था, वो पास से वो उधर से गुजर रहा था, उसका खिलौने बिक नहीं रहे थे, बड़ा परेशान था। इतने में समुद्र के किनारे उसको एक सीप मिला, जब सीप उसने उठाया तो उसने समुद्र के किनारे लिखा कि समुद्र जो है वो जीवन दाता है। कहने का अर्थ क्या है, समुद्र वही है। लोगों की जो सोच होती है वो उसके बारे में अपनी धारणा बना लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से आरसी बिजनेस में आरसी बिजनेस वही है। अगर आप उसको डाउट के चश्मे से देखोगे तो फेल हो जाओगे,
और विक्ट्री के चश्मे से देखोगे, विजेता के चश्मे से देखोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। अगर आप फेल लोगों को देखोगे तो आप फेल हो जाओगे, कामयाब को देखोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। लास्ट में एक और लाइन, ये समुद्र क्या सिखाता है, आप समुद्र के बारे में कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, समुद्र की लहरें आएगी, जो भी आपने लिखा पॉजिटिव या नेगेटिव वो उसको मिटा के चली जाएगी, समुद्र अपनी मस्ती में चलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से आप पारसी बिजनेस के बारे में, आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप नेगेटिव सोचते हैं, इसके बारे में क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, आरसीएम के सिस्टम को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आरसीएम अपनी मस्ती से चल रहा है और ये आगे लोगों को कामयाबी की जो लहर है वो चलाते जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्त, इसको शक की निगाह से मत देखिए, ये आने वाले समय में सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है, क्योंकि चलना इसकी फितरत में है। देखिए दोस्त, जब तक इस धरती पर सूरज और चांद रहेगा तब तक लोग खाना खाएंगे, तब तक लोग कपड़े पहनेंगे, तब तक लोग बातचीत करेंगे, और जब तक ये खाना खाना कपड़े पहनना और बातचीत करना काम चलता रहेगा तब तक धरती पर आरसीएम चलता रहेगा। और अगर हमारे जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है, अथाह दौलत कमानी है, 5% लोगों की सीरीज में जाना है, उनके श्रेणी में जाना है, तो एकमात्र तरीका है आरसीएम बिजनेस। और ये आरसीएम बिजनेस आपको प्रूफ करता है कि वास्तव में सफलता हर इंसान की क्या बोलते हैं वो कामयाबी हमारी जन्म सिद्ध अधिकार है, और कामयाबी आरसीएम बिजनेस को सिखाता है वास्तव में आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आपने मेरे को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर आत्माराम जी, सर्वेश भाई, पारा सर जी, ज्यादा लोगों से मुझे मिलना नहीं हुआ, कुछ चंद साथियों को जानता हूँ, आपसे मिलकर मैं बहुत अच्छा लगा। मेरी किसी बात को अगर आपको खराब लगी हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आत्माराम जी ने मुझे विशेष तौर पर कहा था कि टाइम का कोई चैलेंज